नमस्कार मैं कान सिंह टी एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं कैसे हो दोस्तों उम्मीद करता हूं ठीक होंगे आपने साधारण ब्याज बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कल की क्लास में बहुत उम्दा सवाल आप लोगों को दिए थे बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल आप लोगों के सामने परोसे गए थे उम्मीद करता हूँ कल वाले चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तीन भागों में हमने साधारण ब्याज मोटा मोटी कंप्लीट कर लिया आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जो आपके डीआरडीओ हैं एस एस है सी है या ए प्री एग्जाम जो है सी बी वन इनको आधार मानते हुए मैंने बहुत कुछ चीजें बताई आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक जिसके सवाल लगभग लोगों के गलत होते हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको आजकल बच्चे ये मानते हैं कि सबसे कैलकुलेटिव सवाल टी जिस टॉपिक से उठा रहा है वो है चक्रवर्ती ब्याज ऐसे ऐसे पॉइंट्स ऐसे ऐसे नंबर्स जो टाइम पर कटते भी नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी संख्या से कट जाए लेकिन वो कटता नहीं है डिवाइड नहीं होता है आज हम ऐसे ही सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं जैसा कि आप लोगों को बहुत पहले से पता है एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे इसको ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज का हमारा पहला क्लास होगा TCS ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं ना कि सात महीने आठ महीने, महीने ग्यारह महीने की गणनाओं पर आधारित जबकि आपको भी पता है कि गणनाओं में त्रैमासिक चतुर्मासिक और अर्धवार्षिक सवाल आज तक मिले हैं लेकिन आज हम जानेंगे कि इन गणनाओं पर आधारित टीसीएस ने कैसे सवाल पूछे हैं और कठिन कैलकुलेशन जो टाइप के सवाल होते हैं उनका फाइव अप्रोच क्या है इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है? है। एक एक तरह से साधारण ब्याज का ही एक पार्ट होता है। पहले हम अगले पंद्रह मिनट तक इसका कुछ बेसिक हिस्सा जानेंगे कुछ बेसिक बातें हम जानेंगे उसके बाद एक एक करके हम सवालों को लगाना शुरू करेंगे तो उम्मीद करता हूं सब तैयार होंगे क्लास को शेयर वेयर करके आए होंगे लाइक तो आप पढ़ाने के बाद कीजिए पहले मत कीजिए सबको मेरा नमस्कार भाई सबको मेरा गुड इवनिंग ठीक है जितने भी लोग जुड़े हैं क्लास को शेयर करके आइए और चलना शुरू कीजिए जैसा कि आपको पता है सर ये वाला जो पार्ट है हम कंप्लीट कर चुके हैं इधर से ये वाला सारा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं आज हम यहां पहुंच चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अगले लगभग मान के चलिए चार टोटल घंटे चार दो आठ नौ घंटे इसमें लगेंगे तो अभी आज है तीन क्लासें हम इसकी और लेंगे उसके बाद में इस कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म करके इन पर एक एक करके आएंगे ठीक है ओके आज आपको कुछ चाहिए था या नहीं चाहिए था लेकिन अब चाहिएगा सर ये प्रतिशत इतने दिन भले ही जरूरत कम पड़े होंगे आज सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड होगा सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड होगा तो इनको सर आप सर नोट्स इससे बनाए या पूरे कोर्स से बनाए सर बनाइए ना ये इसमें बहुत कुछ मैं एक चीज कह रहा हूं ना लोग जितना पैसे लेके पढ़ाते हैं उतना मैं ये सब फ्री में पढ़ा रहा हूं तो ये ऐसा नहीं है कि तुम पैसे दे के अगर कहीं कोचिंग किए होते ना तो उतना मैटर मैं आप लोगों को यहां दे रहा हूँ इसलिए वहां अगर नोट्स बना रहे तो तुम यहाँ भी बनाइए आश्वस्त रहिए ठीक है, है हाँ जी ये सारे परसेंटेज सर आप लोगों को चाहिए टोटली ठीक है तो आज याद रखेंगे उम्मीद करता हूँ लास्ट चैप्टर है जिसमें इस सब की जरूरत हमें पड़ रही है तो प्लीज आप लोग इन सारे परसेंटेज को याद रखिए एडवांस मेथ का अलग चलेगा सर ठीक है हाँ जी सारे परसेंटेज आप याद रखेंगे आज हम सवालों को बनाना शुरू करें इससे पहले समझिए कंसेप्ट क्या है चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्दी ब्याज बोलते हैं इससे ठीक है थिकनेस थोड़ा बढ़ाते हैं चक्रवर्दी ब्याज इसको हम बोलते हैं भाई ठीक कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई इंग्लिश मीडियम वालों इसको हम सीआई के नाम से जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसको बोलते हैं भाई क्या है कैसे काम करता है पहले उसको समझिए हमारे यहां राजस्थान में जो लोग राजस्थान से हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमारे यहां राजस्थान में एक शब्द चलता है ब्याज के ब्याज लगाना ब्याज के ब्याज लगाना शायद सारे लोग जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं ठीक है सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आइए उसी पढ़ाने के तरीके को देखते जाइए क्या है चक्रवर्ती ब्याज कैसे सवाल बनते हैं वो सुनिए जैसे मान लीजिए किसी से आपने एक प्रिंसिपल उधार लिया एक मूलधन आप लोगों ने उधार लिया और वो मूलधन उधार लिया मान लीजिए ना दस हजार रूपए टोटल आपने किसी से दस हजार रूपये उधार लिए और अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा रहा है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है मान लीजिए दस परसेंट वार्षिक यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लागू होगा कि ये परसेंटेज किस टाइप का है माफ कीजिएगा दस परसेंटेज वार्षिक यहां बहुत ही फैक्टर लागू होगा अभी एन का जो पेपर दे के आए थे सबसे पहले बच्चे वो चपेटे में आए थे मैं एक चीज अब भी बताता हूं मैं मुझे अभी याद है एनटीपीसी का बेच था उस एन के बेच में मैंने एक पांच मासिक वाला सवाल लिखा दिया था कि गणना पांच मासिक है तो एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया बोला सर ये हमारे लेवल का थोड़ी है तुम सीजीएल मेन्स क्यों पढ़ा रहे हो हम एन टीपीसी के आ रहे हैं जबकि मैंने एस एस सी से वो सवाल को कॉपी करा जब वो सिक्सथ लेवल और फोर्थ लेवल का एग्जाम दे के बाहर निकला तो सबसे पहला कॉल मेरे पास आया था बोला सर वो पांच मासिक वाला सवाल हमारे यहाँ आ गया आठ मासिक के तौर पर आठ महीने वाले तौर पर पूछ लिया तो आज हम ये बहुत जरूरी है कि दर हमारे पास कैसी है हमारे यहाँ दर वार्षिक है सर और अगर मान लीजिए समय पता है कितना है तो समय आप बोलेंगे टाइम यहाँ दिया है दो साल तो आप बोल दीजिए समय यहाँ दो साल है अगला हमें कहेगा सीआई बताइए सीआई क्या होगा इसको निकालना हम जानते हैं फिर आप लोगों को कुछ अप्रोच बताते हैं पहले इसका सेंस समझ सेंस समझिए क्या होगा चांद मोहम्मद कोरोना के कोरोना आएगा तो कहा दिक्कत है ना तुम अपने रूम पर बैठे हो मैं यहां बैठा हूँ आने दो तो भाई कोरोना आता है तो दुखी क्यों हो रहे हो ठीक है कोरोना से भी लड़ लेंगे जब बेरोजगारी से लड़ रहे हैं तो बेरोजगारी से बड़ा कोरोना है क्या भाई है बेरोजगारी से बड़ा कोरोना थोड़ी ना होगा देखिए होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए इसका पहले सेंस समझिए सारे लोग कि दस हजार रुपए जो है ना वो आपको आपने किसी से उधार लिए अगला कहता है कि मुझे दो साल के लिए ले जा लेकिन मैं हिसाब करने आपके हर साल आऊंगा घर पे ये यहां ये डिपेंड करता है कि दर कैसी है वार्षिक अगर भाई दर वार्षिक है तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगला हर एक साल बाद आपके पास यहां काम पैसे मांगने आएगा तो आज उधार लिए दस हजार रूपये एक मही एक साल बाद वो आपके घर पहुंच गया

दस हजार तो ये और हजार ये ग्यारह हजार रुपए देके हाथ जोड़ सकता है लेकिन अगले के पास थे ही नहीं पैसे देने तो वो कहता है बोलो आप कहते हैं कितना पैसा बना आपका तो उसने कहा देख, दस हजार रुपए तूने मेरे से उधार लिए थे केस उसका दस परसेंट ब्याज दे पहले तो आपने कहा ले लजार रुपए बनते हैं फिर वो कहता है कि ये हजार रुपए भी तो तेरे ही थे ये हजार रुपए भी तो तू ही देके गया तू ही रखा है दस हजार रुपए का हजार रुपए ब्याज बना था अगला आपके घर जाकर पता है क्या करता है अपने घर जाकर आपके खाते में पहले साल उसने दस हजार रुपए लिखे ऐसे दस हजार रुपए एक्स वाई जेड ने उधार लिए एक साल बाद वो दस हजार रुपए की कलम काट देता है और उसकी जगह लिख देता है ग्यारह हजार रुपए उधार लिए वो पता है क्या कहता है यह हजार रुपए और ब्याज का जोड़ देता है तो वो आपसे चाहता है कि इसका दस परसेंट आपको ब्याज दे तो वो कहता है भाई देख दस हजार का दस परसेंट तो ये है ही लेकिन इसका दस परसेंट ब्याज और दे और इसका दस परसेंट ब्याज और देने का मतलब पता है क्या है कि इसका दस परसेंट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा सौ रुपया भाई और दे तो आपने कहा टोटल कितना ब्याज बन गया तो आप बोलेंगे कुल जो सियाई होगा ना वो कुल सियाई हो जाएगा हजार हजार दो हजार और सौ इक्कीस सौ तो वो कहता है इक्कीस सौ रुपये पूरा ब्याज बना है यही आप सब लोगों ने निकाला है ना अब एक बात सुनिए ये तो है ब्याज के ब्याज लगना ब्याज के ब्याज लगने का मतलब हमें अब ये तो एक सा सवाल दिया हम इनके तरीकों को जानेंगे कि इसके तरीके कैसे -कैसे कैसे -कैसे हमें सवाल बनाने हैं तो मैं एक सवाल और ले रहा हूं, इस सवाल को सारे लोगों को बताता हूं। प्रिंसिपल पांच हजार रुपए तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए ट्वेंटी परसेंट है बीस परसेंट वार्षिक पर एनम है याद रखिए दर जो है वो आपकी बीस परसेंट वार्षिक होना जरूरी है टाइम मान लीजिए अगले ने हमें दो साल का दिया है वो हमसे चाहता है कि सीआई बताइए सीआई कितना होगा सर एक तरीका तो ये होता है ना सर कोरोना में कमी ने देखो ठीक हो तो बंद को नहीं बोलो ना सर एक चीज ध्यान दीजिए एक चीज को आप याद रखोगे पहले मैं किताबी ज्ञान बता देता हूं सब लोगों को मिश्रधन धन जो बराबर होता है ना ये मिश्रधन धन बराबर होता है मूलधन वन प्लस दर बटा सो की पावर समय सर हम इससे यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए हम इससे यूज नहीं करेंगे ठीक है लेकिन मिसर्धन बराबर होता है मूलधन गुणा सो प्लस द, एक प्लस दर बटा सो गुणा समय पांच हजार रुपए की राशि पर बीस परसेंट की दर से दो साल का सीआई कितना होगा सर एक तो इसका जो होता है ना वो पहला तरीका आप ये देखिए पहला तरीका आज के बाद तुम ऐसा लगा सकते हो कि मूलधन गुणा तो पांच हजार गुणा अगर दर बीस परसेंट है तो सो में जोड़ दो तो आप लिख दो एक सौ बीस बटा कितना सो फिर आप लिख दीजिए सर 120 सौ बीस बटा सो ऐसा जितने साल होता है उतने साल तुम कर लीजिए हालांकि इस तरीके पर भी हम बात नहीं करेंगे लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों को प्रोसेस से समझनी है क्योंकि ये सबसे हार्ड टॉपिकों में से एक है तो आप कहेंगे सर दो जीरो से दो जीरो और दो जीरो से दो जीरो बारह 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 पंजे कितना हो गया साठ और बारह छः कितना हो गया भाई बेहतर तो इसका मतलब बेहतर सौ रुपये आपको वापस मिले याद रखें सर ये वाला पैसा जो काम कर रहा है ना वो किसका कर रहा है मूलधन का और ये वाला जो पैसा काम कर रहा है ना वो काम किसका कर रहा है सर मिश्रधन का अगर ये ये मूलधन है है तो कोई मुझे बताएगा कि कितना सीआई मिला तो आप बोलेंगे सर बाईस सौ रुपए सीआई मिला कितना रुपए सीआई मिला बाईस सौ रुपये परीक्षा में हम ऐसे भी नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब अभी पता चलेगा आप लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं लेकिन इस पैटर्न को दिमाग में रखना मूलधन पांच हजार रुपए बीस परसेंट की दर से चक्रवर्ती ब्याज एक सौ बीस 120 एक सौ बीस सो हल कर दीजिए सर दूसरा एक सवाल होता है ना तो दो साल की कुल सी निकालना सीखो सर चक्रवर्ती ब्याज की दर आज के बाद में अगर किसी भी सवाल में दो साल की सी निकालना हो तो दो साल की सीआईआर निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा सो या तो ऐसे कह दो या एक ही दर है तो आप ऐसा भी कह दीजिए अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स गुणा अक्स बटा कितना सो अभी सिर्फ इसको पकड़ के रखिए इस पर खूब कार्यवाहियां होंगी इस पर आधारित खूब सारे सवाल निकल के आएंगे लेकिन अभी इसको इतना ही रखिए तो अगर कहीं भी केवल दो साल के लिए है अगर दो साल का समय हमें दिया है और हमें यह ज्ञात करना हो कि चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी है तो आप कहो अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स गुणा अक्स बटा सो मैं कहूं बताइए टोटल कितनी दर होगी तो आप कहेंगे बीस की दर है तो बीस प्लस कितना हो जाएगा भाई बीस और प्लस बीस गुणा कितना हो जाएगा बीस बटा कितना हो जाएगा सो दो जीरो से दो जीरो काटेंगे बीस बीस चालीस और चार कितना होगा भाई चौवालीस परसेंट तो इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं ना कि टोटल जो ब्याज हमें देना पड़ रहा है वो चौवालीस परसेंट देना पड़ रहा है तो मैं कहूंगा ब्याज बताइए कितना देना पड़ेगा तो आप बोलेंगे सर ब्याज देना पड़ेगा इस पांच का चौवालीस टोटल परसेंट वाला ब्याज इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने तो आप कहेंगे दो जीरो से दो जीरो चौमालीस पांच कितना हो गया दो सौ बीस इसका मतलब बाईस सौ रुपए आप लोगों को क्या देना पड़ा है ब्याज देना पड़ा है परीक्षा में इसको भी कम काम में लेंगे इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो ही काम में लेंगे हर जगह इसको भी हम काम में नहीं लेंगे लेकिन अप्रोच में इसके चार तरीके आप लोगों को बताने जा रहा हूं चारों तरीकों को माइंड रखिए फिर हम काम एक एक पर ही करेंगे ठीक है एक ये वाला पैटर्न जो है वो ध्यान में जरूर रखना लेकिन बनाना कैसे है इन पर एक 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 पर कार्यवाही होंगी अभी सिर्फ इतना सा है कि आप नॉर्मल तरीके से बातों को ध्यान में रखिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है अगर दो साल का चक्रवर्ती ब्याज इकट्ठा करना हो तो दो साल का चक्रवर्ती ब्याज ऐसे इकट्ठा होता है और इसकी वजह कुछ नहीं है सर अगर आप चाहो तो मैं ये फॉर्मूला बता सकता हूं कि कहां से आया है इसका सिंपल सा मतलब है पहले साल का ब्याज अक्सरूपय है

तो आप मुझे बताइए सर 20 परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है तो आप बोलेंगे 20 परसेंट का फ्रैक्शन एक बटा पांच होता है याद रखना फिर से मैं एक बात बता रहा हूं इधर मैं एक नोट लगा के बात लिख रहा हूं इस पीछे वाले में ठीक है यहां एक नोट लगा के बात लिख रहा हूं साधारण ब्याज बस इस बात से समझ जाओगे आप साधारण ब्याज समांतर श्रेणी पर चलता है समांतर श्रेणी का मतलब जानते हो क्या समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पर चलता है ठीक है पहली बात और अगर दूसरी बात मैं यहां लिख रहा हूं इसमें बहुत कुछ आप समझेंगे याद रखना जो चक्रवर्ती ब्याज होता है तो चक्रवर्ती ब्याज जो होगा सी आई ये आपका गुणोत्तर श्रेणी पे चलता है याद रखना फिर से बोल रहा हूं किस पर काम करता है भाई गुणोत्तर श्रेणी जीपी पर चलता है ठीक है बहुत कुछ ये पॉइंट आप लोगों के मदद करेगा इतना सा ध्यान रखना भाई कि समान साधारण ब्याज हमेशा समांतर श्रेणी पर चलता है जबकि चक्रवर्ती ब्याज हमेशा किस पर चलता है गुणोत्तर श्रेणी जीपी पर चलता है 20 परसेंट का फ्रैक्शन अगर किसी बच्चे को नहीं बनाना आए ऐसे बच्चे जो आज पहली बार मेरे से जुड़े हैं वो ऐसे समझ लेना सर 20 में 100 का भाग दो परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं 20 पंजे 100 एक बटा कितना होता है पांच तो 20 परसेंट का फ्रैक्शन एक बटा पांच है आपको कुछ नहीं करना है सर एक तरफ आप लोगों को मूलधन लिखना है एक तरफ आप लोगों को मिश्रधन लिखना है इसका मतलब बीस परसेंट दर का मतलब है, पांच रुपए अगर आप उधार देंगे तो एक रुपया मिलेगा ब्याज का तो पांच रुपए उधार दो तो छह रुपए होगा भाई ये अमाउंट होगा तो अगर आपके पास मिस्र धन छह रुपए होगा ये एक साल का है अगर कोई कहे दो साल का तो पांच एक बार और लिख दो अगर कोई कहे तीन साल तक ऐसा होता है तो एक बार और लिख दीजिए अगर कोई कहता है चार साल तक तो एक बार और लिख दीजिए अगर कोई कहता है छह साल तक तो एक बार और लिख दीजिए अगर कोई कहता है और एक साल तो आप एक बटा और लिख दीजिए इन सबको मल्टीपल कर दीजिए बहरहाल हमें सवाल इतना सा दिया है कि दो साल के लिए होता है तो याद रखना पांच पांच कितना रुपया पच्चीस रुपए आपने उधार दिया और छह से छत्तीस रुपये आपको मिला याद रखिए पच्चीस रुपये रुपय क्या है मूलधन छत्तीस रुपये क्या है मिश्रधन अगर मैं कहूं कि बताइए ब्याज कितना होगा तो आप बोलेंगे कि गुरु जो ब्याज होगा वो ग्यारह होगा अब में एक चीज देखो मूलधन कितना दिया है आप लोगों को पांच हजार रुपए दिया है अरे भाई अगर मूलधन दिया है तो इस पच्चीस की जो वैल्यू आप लोगों को अगर इसका दो सौ गुना है तो हमें अगर मिस्र धन पूछता है कि बताओ मिस्र धन कितना होगा तो मिस्र धन हमारे पास कितना है छत्तीस तो छत्तीस गुणा दो सौ कर दो तो कितना आ जाएगा भाई बेहतर सौ रुपए अगर मान लीजिए आपको कहता है सीआई चक्रवर्ती ब्याज बताइए तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है ग्यारह आप कहेंगे ग्यारह गुणा दो सौ बोले तो कितना हो जाएगा भाई बाईस सौ रुपए इस कहानी को वापस समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर तुम क्या बकेती कर रहे हो रे भाई या बिया क्या चल रहा है ये सब लोग देखो 20% का फ्रैक्शन हमें काउंट करना था 20% का फ्रैक्शन होता है सर एक बटा इसका मतलब आप लोग ये कहिए पांच रुपए की राशि छह रुपए बन गई है एक साल में अगर ऐसा दो साल होता है तो पांच का छह पच्चीस का छत्तीस कर दो मैं आपको और भी अगर आसान कहूं तो इतना सा समझ लीजिए कि बीस परसेंट का फ्रैक्शन पांच का छह होता है अगर एक साल है तो एक ही पावर रहेगी अगर दो साल है तो दो पावर कर दो डायरेक्ट कर दो कि पच्चीस का छत्तीस हो गया है ऐसे डायरेक्ट कर दो कि 25 का 36 हो गया है इतना आपको लिख के करने की जरूरत नहीं है अगर तीन साल होता तो यहां डायरेक्टली तुम क्यूब कर सकते थे एक ये तरीका है लेकिन इस तरीके को थोड़ा सा समझिए बहुत हेल्प करेगा आज के बाद जब भी चक्रवर्ती ब्याज का कोई सवाल आए आप इस तरीके से भी हम कुछ सवालों को बनाएंगे और कुछ सवालों को हम इस तरीके से भी बनाएंगे अब जैसे जैसे मैं सवाल बताऊंगा आपको खुद को समझ में आता जाएगा हम मैं प्रैक्टिस ही इसकी इतनी ज्यादा करवा दूंगा कि आप लोगों को खुद को यह लग जाएगा कि हाँ मुझे ये तरीका काम में लेना चाहिए एग्जाम में जब तुम बैठे रहोगे तुम्हारा खुद का दिमाग काम कर जाएगा और सर इसका चौथा तरीका और देखिए फिर प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं चौथा तरीका क्या है सर ध्यान से सुनो चौथा तरीका कहता है कि आप ऐसे कह दो कि मूलधन पांच हजार रुपए है अगर मान लीजिए आपके पास समय दो साल है तो इसके दो पंख लगा दीजिए और अगर समय तीन साल है तो इसके तीन पंख लगाइए समय पहले साल जो ब्याज लगेगा वो बीस परसेंट की दर से लगेगा और इसका अगर मैं बीस परसेंट निकालूंगा तो कितना रुपया आएगा भाई हजार निकाल लो पांच का बीस परसेंट फिर चलो दूसरे ये पहले साल खत्म अब चलो अगले पंख के पास अगला पंख अगर निकालना है तो दो साल का निकालना है सर हमें अगर दूसरे साल निकालना है तो दूसरे साल देखो इसका बीस परसेंट एक चीज इतना सा समझ लो मैं एक ही लाइन में समझा देता हूं और वो एक लाइन यही है सर हजार रुपए अगर मान लीजिए पांच हजार रुपए का दो साल का है तो दो पंख लगा दीजिए ये हजार रुपए पहले साल का निकाल दिया खत्म अब जब भी अगले साल पे जाओ तो इस अगले साल आपको जितना स्क्रीन पे राशि दिख रहा है सबका बीस परसेंट लिखना है स्क्रीन पे मुझे एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है मैं दोनों का बीस परसेंट लिखूंगा इस वाले पैटर्न में तो अगर मैं यहां किस किस का लिखूंगा एक इसका और एक इसका अगर मैं कि बताइए बीस इसका कितना होगा तो आप बोलेंगे सर कितना रुपया होगा हजार रुपए और मैं कहूंगा इसका बीस परसेंट बताइए तो आप कहेंगे गुरुजी जी इसका बीस परसेंट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे दो सौ रुपए तो पूरा बताइए कितना हो गया तो आप बोलेंगे हजार और, हजार, दो हजार और बाईस सौ कितना रुपया बनेगा बताओ बाईस सौ रुपए टोटल सीआई बना है इसकी विचारे की कभी कभार जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा जरूरत हम इसी से बनाएंगे इसी से हम बना सकते हैं सर मैं यूपी के प्रतापगढ़ से हूँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई देखिए ठीक है अब आते हैं हम सवालों पे एक एक करके हम सवाल लगाएंगे समझेंगे सवाल क्या कहते हैं कैसे कहते हैं और सारे के सारे सवाल मौजूदा टाइम के होंगे सवाल सी एस एस एल दो हजार बाईस का सवाल है बताइए क्या इसका जवाब होना चाहिए पहला सवाल आपके सामने है मैं हर सवाल को इतना आसानी से और इतना बेहद आसान तरीके से आपके सामने परोसूंगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी भरोसा रखिए देखिए सर एक धनराशि पर सोलह परसेंट वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से दो वर्षों में प्राप्त मिश्र धन तैतीस सौ चौसठ है वह धनराशि क्या है हमें यह कह रहा है सर वापस बताइए ना वापस जाने की जरूरत नहीं है मैं समझा देता हूं आप समझ जाओगे आगे चलते जाइए पीछे मत जाइए जनता आगे जा रही है दुनिया आगे जा रही है आप आगे जाइए सर देखो आपको कुछ नहीं करना है अगर आज के बाद कोई भी चक्रवर्ती ब्याज का सवाल आता है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस परसेंट को पकड़ना है कि परसेंट क्या है परसेंट कितना है सोलह परसेंट इस सोलह परसेंट का फ्रैक्शन लिखना है सोलह परसेंट का भिन्न लिखना है अगर किसी बच्चे को नहीं लिखना आता है तो बस इसमें 16 में 100 का भाग देना है किसी भी संख्या का परसेंट हटाने के लिए बटा 100 करते हो तुम अगर 16 में मैं 100 का भाग दूंगा तो चार से काटूंगा चार चौक 16 और 25 कितना पच्चीस सो। मतलब सोलह परसेंट का फ्रैक्शन जो है ना वो चार बटा पच्चीस होता है अगर तुमको याद नहीं है तो भाई ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है तो सोलह का फ्रैक्शन चार बटा पच्चीस आ गया एक काम इतना सा करना है फिर कुछ नहीं करना है इधर आप कहेंगे ना कि मूलधन और इधर आप कहेंगे ना अमाउंट मिश्रधन अंग्रेजी में लिख रहा हूं चल जाएगा मूलधन और मिश्रधन अब आपको यहां सोचना है पच्चीस रुपए अगर आप मान लीजिए इसका मतलब है ब्याज सोलह परसेंट है अगर ब्याज सोलह परसेंट है ना इसका मतलब पच्चीस रुपए पर चार रुपया ब्याज लगता है तो मूलधन अगर आप उधार पच्चीस रुपया देते हैं तो चार रुपए आपको ब्याज पे करना पड़ेगा तो आपको पच्चीस रुपए अगर आप उधार लेते हैं तो पच्चीस और चार गुणतीस रुपए आपको पे करना पड़ेगा और ऐसा कितने साल का होता है सर दो साल के लिए हमारे पर्सन में समय दे रखा है ना दो साल तो इसका पावर बना दीजिए दो और इसका पावर बना दीजिए दो तो आप कहेंगे सर ये बना है कितना रुपया छस सौ रुपया और ये बना है कितना भाई सात सौ आठ सौ इकतालीस रुपये यही बना है क्या आप बोलेंगे हां सर पच्चीस और चार उन्तीस उन्तीस का स्क्वायर आठ सौ इकतालीस अब आप मुझे बताइए इसका मतलब आपने छसो पच्चीस रुपए उधार दिए और आठ सौ इकतालीस रुपये वापस आपने प्राप्त कर लिया मैं कहूं कि बताइए ब्याज कितना मिला या सीआई कितना मिला है तो आप बोलेंगे सर ब्याज अगर हमें चाहिए तो छसो सात सौ आठ सौ मतलब दो सौ और कितना रुपया सोलह रुपया यही बन रहा है क्या देखो देखे तो आप बोलेंगे सर दो सौ सोलह रुपया ब्याज मिला है अगर दो सौ रुपए ब्याज मिला है तो आगे चलिए कहता है मिस्टर धन हमें पहली चीज तो ब्याज की तो हमें जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त अगर हमें ब्याज दिया होता तो हम ब्याज निकालते हमें तो डायरेक्ट ही पता चल गया कि आपने उधार कितना दिया भाई छह और वापस कितना देना पड़ा आपको आठ सौ इकतालीस में आइए कहता है कि मिस्टर धन जो है ना वो तैतीस कितना रुपया है सर चौसठ रुपए है इसका मतलब इस आठ की वैल्यू इतना सा समझ लीजिए भाई इस आठ की वैल्यू तैतीस है और यहां आप लोगों को पता है क्या करना है आपको आस एवरेज मूल्य लेके चलना है यह पक्का इसका चार गुना होगा कैसे होगा सोचो 800 होता तो 3200 होता चार होता तो 116 एक सौ गुना है अगर ये चार गुना है तो हमें कहता है कि मूलधन बताइए मूलधन कितना होगा तो इस छह पच्चीस की वैल्यू पूछी है तो अगर छह पच्चीस की वैल्यू निकालनी है तो चार से गुणा कीजिए छत्सौ का चौबीस और पच्चीसों का सौ कितना रुपया आ जाएगा बोलिए पच्चीस सौ रुपए और पच्चीस सौ रुपए आने का मतलब बताइए क्या उत्तर बनेगा तो आप बोलेंगे एक नंबर बोलो हाँ ना किसी को दिक्कत हो तो बताइए आप बोलेंगे यस सर एक ही नंबर बनेगा उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ गए हैं बिना किसी डाउट के बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बताया है 16 परसेंट का फ्रैक्शन जो होता है ना वो आपको लिखना है तो पच्चीस रुपए पर चार रुपए ब्याज लगा है तो 25 का स्क्वायर और उनतीस का स्क्वायर क्योंकि दो साल का है आप कहेंगे 625 और 841 हमें इस 841 का वैल्यू तैतीस दिया है एक बात ध्यान रखिए सर तुम ज्यादातर कौन बच्चे हो एस एस की तैयारी करने वाले मतलब मैथ बैकग्राउंड से सौ बातों की एक बात यह है कि बहुत कम बच्चे हैं और मैथ बैकग्राउंड से होता है तो भी क्या होता है तुम्हारा कैलकुलेशन इतना बुरा होता है ना कि पूछिए मत बहुत बुरा कैलकुलेशन होता है तो ऐसे सर आइडियाज लगाने हैं कि 800 का 32 ये लगभग लग चार बार कट रहा है तो चार गुना करके आपको आंसर निकालना है ऐसे सोच लिया करो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है इस पैटर्न से जितने सवाल बनते हैं उतने हम सवाल बनाने की कोशिश करते हैं अगला सवाल देखिए सर एस एस सी एच का ही सवाल है टी का न्यू पैटर्न और नया सवाल है बताइए क्या बनेगा सर किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंट वार्षिक दर से दो वर्ष में प्राप्त मिश्रधन रुपए है राशि बताइए क्या होगा मैंने आप लोगों से एक दावा किया था सर और वो ये जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि मुश्किल कठिन कैलकुलेशन वाले सवालों का 5g अप्रोच मैं दूंगा आप लोगों को हां सच में मैं आप लोगों को 5g अप्रोच दूंगा आश्वस्त रहिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी राशि पर चक्रवर्ती है वो नब्बे अगर सर आप लोगों के पास कैलकुलेशन के सिंपल फंडे नहीं हैं, तो ऐसे सवाल आप लोग टाइम पे नहीं बता पाएंगे कभी नहीं बता पाएंगे आइए मैं आपको कुछ सिखाता हूं पहले इस सवाल का मतलब समझिए आप लोग ये कहते हैं ना किसी राशि पर तेईस परसेंट वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से इससे पहले मैं आप लोगों को एक सवाल में पीछे वाले में वापस लाना चाहूंगा मेरे भाई अगर आप करना चाहते तो ऐसा कर सकते थे इस सवाल में एक और अप्रोच लगा सकते थे तुम करना चाहते तो ये कर सकते थे कि मुझे नहीं पता मूलधन कितना है मूलधन गुना सोलह वार्षिक ब्याज की दर है तो एक बटा सो कितना भाई सो और फिर कह देते 116 सौ बटा कितना 100 और बराबर कितना हो जाता सर तैतीस इसको भी तुम हल कर सकते थे मैं पीछे वाले में वापस ले गया हूं माफी ही चाहूंगा पच्चीसों का सोर गुणती चौका कितना हो गया एक सौ सोलह पच्चीसों का सोर गुणती चौका कितना हो गया एक सौ सोलह देखो गुणतीस गुणा गुणतीस गुणा हो रहा है और पच्चीस गुणा पच्चीस गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो तुम इसको उल्टा कर देते हैं अगर इसको उल्टा कर देते तो आप कहते कि मूलधन जो होगा ना वो तैतीस बटा गुणा पच्चीस गुणा कितना होगा भाई पच्चीस और बटा कितना हो जाता गुणतीस गुणा ऐसे भी तुम कर सकते थे उत्तर वही आना था सर तो यहां आप लोग कह रहे हैं हाँ जी भाई परिणाम सोनू सुतार भाई यहां भी सेम आपको अप्रोच सोचना है लेकिन गड़बड़ पता है क्या है कि वार्षिक ब्याज की दर आपको लगानी थी भाई अगर वार्षिक ब्याज की दर तुम लगाओगे ना तो तेईस परसेंट का मतलब होता है तेईस बटा और कुछ नहीं और तेईस बटा सो होने का मतलब पता है क्या है कि आप लोग एक तरफ मूलधन लिखेंगे और एक तरफ मिश्रधन लिखेंगे इसका मतलब अगर आप अपने सौ रुपए अगर जमा करें है ना तो आप लोगों को एक रुपया मिलने वाला है ये एक साल का ऐसा हमारे यहां सवाल में कितने साल का कह रहा है भाई चार साल का कह रहा है अगर हमारे यहाँ चार साल का कह रहा है सॉरी माफ कीजिए दो साल का कह रहा है तो इसका भी कितना कर देंगे दो और इसका भी कितना कर देंगे आप दो कर देंगे ठीक है बहुत बढ़िया आप लोगों ने उत्तर चार दिया है श्यावास वेरी गुड अब सवाल यह है कि सर इसका वैल्यू कितना होगा तो आप मुझे बताइए दस का सौ का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलेंगे सर दस होगा चलो बहुत बढ़िया बात है लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि इसका स्क्वायर कितना होगा तो चलिए आपको एक अप्रोच देता हूं एक नया सिटी दे रहा हूं सारे लोग प्लीज जानिए इसको और सिटी यह है ए, सो के आसपास की संख्याओं के वर्ग करना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे रहा हूं सो की की के आसपास की संख्याओं के वर्ग या सो के आसपास के स्क्वायर बता रहा हूं कि सो के आसपास के वर्ग कितने होंगे बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं सर ध्यान से सुनना जैसे मान लीजिए कोई कहता है ना कि 104 का स्क्वायर कीजिए सारे लोग प्लीज सुनिए इसका एक सिंपल सा जुगाड़ मैं आपको दे रहा हूं अगर आज के बाद में कभी भी कहे कि 104 का स्क्वायर बताइए तो 104 का स्क्वायर निकालने का एक सिंपल फंडा पता, पता है क्या है मुझे बताइए सौ से कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे सर सौ से दो ज्यादा है अगर इस माफ कीजिए सौ से चार ज्यादा है अगर ये संख्या सौ से चार ज्यादा है तो ये सौ से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख दीजिए चार का स्क्वायर सोलह फिर पूरी 104 में यही चार वापस जोड़ दीजिए 104 में अगर चार जोड़ेंगे तो 108 तो इसका स्क्वायर हो गया है 108 और 16 कहीं जाने की जरूरत नहीं है जैसे मान लीजिए अगर कोई कहता है आपको कि 109 का स्क्वायर कीजिए तो भाई 109 का स्क्वायर करने का शॉर्टकट पता है क्या है कि ये सो से कितना ज्यादा है तुम ये बताइए बस तो आप कहेंगे सर सौ से नौ ज्यादा है ये अगर सौ से ये नौ ज्यादा है तो नौ का स्क्वायर लिख दीजिए नौ का स्क्वायर होगा इक्यासी फिर पूरी संख्या में यही नौ वापस जोड़ दीजिए एक सौ नौ में यही जोड़ेंगे ना तो बन जाएगा 118 तो आप बोलेंगे एक सौ अठारह इक्यासी आपका होगा। अब ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को कह देता कि बताइए भाई 107 का स्क्वायर क्या होगा तो आप बोलते कि सात ज्यादा है ये अगर ये सौ से सात ज्यादा है तो सात का स्क्वायर लिख देते उनचास फिर कहते सर एक साथ में सात जोड़िए एक में सात जोड़ेंगे तो एक कितना हो जाएगा भाई चौदह सर मेरा क्वेश्चन है प्लीज हेल्प मी मेरा एक फ्रेंड है और रेलवे लोको पायलट की तैयारी कर रहा है प्री बॉडी में उससे दाग हो गया क्या वह मेडिकल रिजेक्ट हो सकता है इस पर हम बाद में बात करेंगे भाई दीपक कुमार ठीक है इस वीडियो जो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर दिया है क्लास फ्री होने के बाद हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा आपकी बात को जरूर सुना जाएगा पहले इस बात को आगे देखिए सर ध्यान दीजिए अब यही अगर ऐसा होता ना कि एक का स्क्वायर करना है तो एक चीज ध्यान रखिए मैं अगर मान लीजिए आपको कहता हूं कि सो से कितना ज्यादा है तो आप बोलेंगे तीन ज्यादा है अगर सो से ये नंबर तीन ज्यादा है तो तीन का स्क्वायर कीजिए तो आप कहेंगे तीन का स्क्वायर नो होता है लेकिन मैं कहता हूं जीरो नो होता है बस एक चीज तुमको ध्यान रखना है कि पहली बार जो भी स्क्वायर करो ना वो स्क्वायर दो अंकों में होना जरूरी है कितने अंकों में होना जरूरी है दो अंकों में होना जरूरी है तो आप यहां देखो चार का स्क्वायर किए थे तो सोलह ही आ रहा था तो दो कुछ करना नहीं पड़ा नो का स्क्वायर किया तो इक्यासी आया कुछ करना नहीं पड़ा यहां सात का स्क्वायर उनचास आया आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ा है तो भाई यहां एक का अगर स्क्वायर करना है एक का स्क्वायर करोगे तो तीन का स्क्वायर जीरो नो आपको लिखना पड़ेगा अब एक में आप तीन जोड़ देंगे तो एक में तीन जोड़ेंगे तो एक होगा तो एक सौ नो होगा जैसे अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि एक का स्क्वायर बताइए तो मेंटली सोचिए जो लोग अच्छी की तैयारी करते हैं रेलवे वगैरह की अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज आप एक काम कीजिए अपने दिमाग में ही रीजनिंग में बहुत काम आती है ये चीजें अपने ही दिमाग में सोचिए कि इसका क्या जवाब होगा बिना पेन लगाए तो एक का स्क्वायर जो होगा ना वो जीरो एक होगा मेरे भाई एक सौ एक में अगर एक जोड़ूंगा ना तो एक कितना बन जाएगा दो बनेगा चलो जी यहां तक ठीक है लेकिन अगर यही एक तेरा होता अगर मैं कहता है एक सौ तेरह का स्क्वायर करना है तो बोलिए क्या होगा तो आप कहते हैं सर जी अगर एक सौ तेरह का स्क्वायर करना है तो ये तेरा ज्यादा है सो से कितना ज्यादा है और आप सब जानते हैं ना भाई का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है लेकिन मैंने कहा कि जब स्क्वायर करो तो वो दो अंकों में लिखना है यहां दो अंकों में हुआ डायरेक्ट आपने लिख लिया यहां दो अंकों में नहीं मिला तो आपने पहले जीरो लगा लिया अगर स्क्वायर इसका तेरह का स्क्वायर एक सौ गुण अगर ये दो से ज्यादा अंकों में आ जाता है तो आप लोगों को भाई यहां आप क्या करना है दो ही अंक रखने हैं तो का एक सौ एक. एक एक, एक सत्ताइस तो बोलिए कितना होगा एक सौ 127 तो बिना पेन लगाए आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना भाई अपना और नंबर है सर एक सौ उन्नीस मैं कहता हूं एक सौ उन्नीस का स्क्वायर बिना पेन लगाए अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या बताइए देखें बिना पेन लगाए ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 119 का स्क्वायर करना है और बताना है कि 119 का स्क्वायर बिना पेन के कितना होगा तो पता है डायरेक्ट आप क्या लिखोगे उन्नीस का स्क्वायर होता है तीन सौ इकसठ तीन सौ इकसठ का इकसठ हासिल की कितना बचेगा तीन एक में उन्नीस जोड़ेंगे तो एक सौ में अगर तीन जोड़ दूंगा तो कितना आएगा भाई एक तो बताइए एक सौ होगा कि नहीं होगा चलिए हम आइए हमारे सवाल पे देखते हैं क्या था हमारा सवाल इसका स्क्वायर करना था अगर इसका स्क्वायर करना है तो सौ से ऊपर है का स्क्वायर बताइए कितना होगा 530, 530 का बच जाएगा एक सौ तेईस में तेईस जोड़ दीजिए इस पूरी संख्या में यही संख्या जोड़ेंगे तो एक सौ तेईस में तेईस जोड़ेंगे तो एक सौ छियालीस और पांच कितना हो जाएगा भाई एक सौ इक्यावन तो कोई मुझे बताएगा कि बताइए कितना सीआई मिला हमें अच्छा मुद्दा ठीक है यहां तक आ गया है अब सर ये तो आप लोगों का मूलधन है और यह आप लोगों का मिसर्धन है इस मिसर्धन की वैल्यू कितनी दे रखी है वो ना वो नब्बे छह गुना, तो गुना आप कीजिए सर और इसका छह गुना करेंगे तो बताइए कितना रुपये आ जाएगा साठ हजार रुपए उम्मीद करता हूं साठ हजार रुपये आपने सबने आंसर दिया होगा अब एक चीज यहां थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है एक बात प्लीज समझिए वेरी गुडास एक चीज यहां समझिए पहले थोड़ा क्लियर कर लेना है कि साठ गुना ही है या नहीं है नहीं तो आप लोग कई बार क्या कर रहे हैं सर सर जी नेट नहीं चल रहा है मैं बाद बेड पर खड़ा होकर 11 ग्यारह बजे तक आपकी क्लास देखूंगा अरे मेरे भाई ये कुछ तपस्या ज्यादा नहीं हो गई है भाई प्रिंस ठीक है एक चीज थोड़ा सा प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं आप इस बात को देख लेना कंफर्म कर लेना की छह गुना ही है ना मतलब मल्टीपल करके देख ला नौ छह चौवन ठीक है छत गुणी बारह और पांच सत्रह फिर छह चे कम छह एक सात और पंद्रह चीखी नब्बे क्योंकि एक चीज देखो क्यों अलर्ट कर रहा हूं मैं अलर्ट भाई इसलिए कर रहा हूं यहां क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है साठ हजार साठ तो इतना ज्यादा नजदीक है कि कई बार स्थिति कंफ्यूज में चली जाती है भाई थोड़ा बैठ के कर लीजिए क्लास को फ्री होने के बाद भी आप देख सकते हैं प्रिंस कुमार इतना रिस्क मत उठाइए अगला सवाल देखिए एस एस सी सी का है देखता हूं कितने लोग इसका सही सही जवाब दे देते हैं यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता तो दस हजार छह सौ पच्चीस रुपए पर आठ परसेंट वार्षिक दर से दो वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज कितना होता सोच के देखिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आगे तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि पूछिए मत लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आठ मासिक वाले पांच मासिक वाले ग्यारह मासिक वाले सात मासिक वाले सवाल आपको मिले तो मान के चलिए साढ़े दस बजे तक का इंतजार कीजिए साढ़े दस बजे जाते उनका नंबर आप लोगों के पास मिलने वाला है ठीक है देखो कहता है दस हजार छह सौ पच्चीस रुपए आपको दिए हैं आठ परसेंट वार्षिक ब्याज की दर दी है दो साल में प्राप्त ब्याज आपको बताना है कि कितना होगा चक्रवर्दी ब्याज क्या बताना है भाई सीआई बताना है तो कोई मुझे बताएगा मैं कहता हूं इस परसेंट को पकड़ लीजिए कोई मुझे बताएगा आठ परसेंट का फ्रैक्शन क्या होगा तो आठ परसेंट का फ्रैक्शन के लिए आठ में सो का भाग दे दीजिए तो आप कहेंगे चार दो आठ और पच्चीसों का सो दो बटा कितना होगा भाई पच्चीस अगर दो बटा पच्चीस होगा इसका मतलब आप कह दीजिए कि यहाँ मूलधन और ये क्या हो जाएगा मिश्रधन धन पच्चीस रुपए का बन जाएगा कितना सत्ताईस रुपए यही बनेगा अब सवाल कहता है दो साल है तो मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं अगर इसका, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा छ सौ पच्चीस आपने उधार दिए हैं और सात सौ रुपए आप लोगों ने वापस प्राप्त कर लिए हैं कोई मुझे बताएगा सीआई कितना है तो आप बोलेंगे सर सीआई जो होगा वो एक सौ कितना रुपया होगा चार रुपया होगा उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी कौन सी संख्या 104 का मल्टीपल हो रहा है वो देख लीजिए सत्रह सौ के अड़सठ एक का मल्टीपल ए आपका राइट आंसर होगा नहीं ए नहीं हो रहा है क्या एक का मल्टीपल तो यही मुझे लग रहा है सत्रह के अड़सठ और सत्रह एकम अचानक हां सत्रह का मल्टीपल हो रहा है ये मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक अगर मैं जितना सोच पा रहा हूं उतना हो सकता है लेकिन फिर भी मल्टीपल करना ठीक रहेगा आगे हमें क्या कहता है कि मूलधन अब मूलधन कितना है भाई 625 रुपए और 625 रुपए की वैल्यू उधर देखो वो मूलधन दिया है सर तो आप कहेंगे 625 रुपए का जो मूलधन अब डायरेक्ट देखो ऐसे मूर्खता मत करो कई-कई लोग ऐसे करते हैं 625 बराबर 10 625 एक बराबर 10 625 बटा 625 फिर CI बराबर आप करते हैं 10 625 बटा 625 और गुणा 104 अरे नहीं भाई इतना टाइम किसके पास है परीक्षा में ऐसे कौन करता है भाई नहीं आप लोग समझिए क्या करना है इस नीचे वाली प्रोसेस को देखिए दस छो पच्चीस की वैल्यू छो पचीस के रूप में दी है तो एक की वैल्यू होगी भाई दस चासो चासो ये एक की हो गई। जितने का चाहिए उतने से गुणा कर दीजिए 104 से गुणा करना है तो 104 से आप मल्टीपल कर दीजिए देखता हूं इसका सही आंसर क्या बनता है ज्यादा कुछ नहीं 25 से काटूंगा 25 पच्चीस पच्चीस छसो पच्चीस अगर यहां से काटूंगा तो पच्चीसों का सो बच गया पीछे कितना छः तो पच्चीस दुणा पचास बच गया कितना भाई बारह पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस अगर पच्चीस से काटूंगा तो पच्चीस से कम पच्चीस बच गया पच्चीस इंते एक सौ पिछोत्तर अगर यहाँ से काटूंगा तो सत्रह सो कितना हो रहा है भाई अड़सठ रुपए और सत्रह सौ अड़सठ रुपए होने का मतलब आप बताइए उत्तर कितना बन रहा है एक नंबर कितना बन रहा है एक नंबर आप लोगों का राइट आंसर बन रहा है तुम इतने शांत क्यों हो भाई कमेंट में कोई उत्तर ही क्यों नहीं दे रहा है मुझे ये तो बताइए है क्या चक्रवर्ती ब्याज इतना मुश्किल हो गया है आप लोगों के लिए हुँ? कि तुम सोच ही नहीं पा रहे हो मैंने पता है क्या किया मैंने पूरा हल करने के बजाय यही देखा कि 104 है 104 का डायरेक्ट मल्टीपल कौन सा हो रहा है तो मेरे दिमाग में 104 का डायरेक्ट मल्टीपल आया ठीक है तो 104 का मल्टीपल यही मुझे दिखा तो मैंने उत्तर पहले ही लगा दिया था फिर भी तुम डायरेक्ट जो है भाई इतना सा करना जो वैल्यू दी है जो ओरिजिनल दिया है वो किसका वैल्यू है उसका भाग लगा के जितने का चाहिए उतने से डायरेक्ट गुणा कर देना ठीक है भाई देखिए हाँ विक्रम भाई तेरे को पीडीएफ मिल जाएंगे ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है तेरे चरित्र पर शक होता है ऐसे मत बोल भाई अमन ने एक बैंक से आठ परसेंट प्रतिवर्ष की दर से पचास हजार रुपए का ऋण लिया जो कि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है तीन वर्ष बाद उससे कितना भुगतान करना होगा हमें यह बताना है सर जय हिंद भाई देखो आठ की दर से पचास का ऋण लिया है अगर आठ परसेंट की दर से पचास हजार रुपए का ऋण लिया है ना तो आठ परसेंट की वैल्यू आप लोगों को अभी पता है चार दुनिया आठ और पचीसों का सो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार पढ़ रहा है और उसे नहीं पता है तो शुरू में सारी के सारे परसेंटेज दे रखे हैं मैंने आप चाहो तो वो भी कर सकते हो नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं सर कि आठ परसेंट जो दिया है इसमें सो से आप भाग दे दीजिए वही फ्रैक्शन है तो आप कहेंगे इधर प्रिंसिपल और इधर कितना हो जाएगा भाई अमाउंट इसके थोड़े थोड़े कुछ बातें और बताऊंगा ठीक है आप कहेंगे सर यहां कितना बन जाएगा पच्चीस और यहां कितना बन जाएगा वही सत्ताईस ठीक है अगर कहता है तीन साल बाद तो तीन साल बाद मतलब इसका भी क्या करोगे क्यूब करेंगे और इसका भी क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे अगर इसका भी क्यूब करेंगे और इसका भी गुरु जी और चेले में लव नहीं होता क्या हम्म देखो तो आप कहेंगे सर इसके थोड़ा सा तीन वर्ष बाद का बोला है कि तीन वर्ष बाद कितना भुगतान करना होगा तो इसका जो होगा सर कितना हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा क्यूब अगर करेंगे अब आप लोगों को सर क्यूब याद होना बहुत जरूरी है और इसका जो होगा ना सर वो उन्नीस छसो तेरासी होगा देखो देखे मुझे क्यूब कमी याद होते हैं यही है क्या सर अगला कहता है ना भाई समझने की कोशिश करना विक्रम कोई बात नहीं समझ रहा हूं तेरी भावना में

8 का फ्रैक्शन दो बटा पंद्रह था पच्चीस का स्क्वायर पच्चीस का क्यूब सत्ताईस का क्यूब आप कहेंगे आप अच्छे कम्पिटिटिव को कम से कम तीस तक के क्यूब अंगुलियों पे याद होने चाहिए भाई अंगुलियों पे ठीक है काट दीजिए सर अगर पच्चीस से काटूंगा ना मैं तो पच्चीस से कट जाएगा छसो बार क्योंकि पच्चीस की पावर छह होगा यहां से अगर पच्चीस से काटूंगा ना तो भाई कट जाएगा कितनी बार दो हजार अगर फिर भाई में पच्चीस से काटूंगा तो कट जाएगा पच्चीस बार और यहाँ पच्चीस से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा अस्सी बार ठीक है अभी रुक जाइए उत्तर जो तुम दे रहे हो वो क्या है कैसे सवाल टीसीएस पूछ रहा है तुम ऐसे थोड़ी बर्फ में लगाए जाओगे पाँच से काटोगे पाँच बार और पाँच से काटोगे कितनी बार भाई सोलह बार इसको सर सोलह से मल्टीपल कीजिए और फिर पाँच का भाग दे दीजिए अब इसमें है ना देखो ऐसा पॉइंटों वाला कोई ऑप्शन आपको दिया नहीं है अगर पॉइंटों वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर आपको लगेगा ना कि सर पता नहीं क्या बनेगा कैसे बनेगा आज की क्लास में सो मत जाना सर आपके दिमाग का असली लोड ही आज पता चलेगा कि आपके दिमाग की मोटर कितनी पावर की है और कितना झेल सकती है वो ठीक है आ रहे हैं मेरी गलती नहीं है सर कैलकुलेटिव कैलकुलेटिवेटिव छियानवे और तेरह एक सौ नौ बच गया कितना भाई दस सोलह नाम एक सौ चौवालीस और दस एक सौ चौवन बच गया कितना भाई पंद्रह ठीक है सोलह एकम सोलह और पंद्रह कितना हो जाएगा भाई इकतीस इसमें किसका भाग देंगे पांच का पांच का भाग देंगे छह पंजे तीस बच गया एक पांच दूनी दस बच गया चार नौ पंजे बच गया कितना चार आठ पंजे चालीस बच गया कितना भाई सही किया है पंजे पॉइंट छसठ नौ सौ पिचासी पॉइंट छ के सबसे नजदीक कौन है बताइए तो आप बोलेंगे तीन नंबर उत्तर आप लोगों का सी होगा सर ओ अंकित कुमार इतना होशियार हो गया है कि सर पेन फिर सवाल बना सकते हैं बनाइए आराम से सवाल को देखिए सर समझिए ऑप्शन इतने ज्यादा नजदीक दिए हैं कि तुम रिस्क नहीं ले सकते फिर कह रहा हूं ऑप्शंस इतने ज्यादा नजदीक दिए हैं कि तुम इसे रिस्क पर नहीं डाल सकते तुम सोच नहीं सकते कि कैसे बन रहा है क्या बन रहा है बस इतना सा ध्यान रखना है आठ परसेंट की दर से पचास हजार का ऋण लिया है जो कि वार्षिक रूप से चक्रवर्दी होता है तो आराम से तुम सवाल को बना सकते हो सर जी जैसे आप क्लास में सिखाते हैं ना सी निकाल के वो तरीका सही था हम्म बहुत शानदार था वो तरीका टोटल एक जगह सीआई करने वाला लेकिन ऐसा है ना कि सब लोगों को नहीं समझ आता है ये शर्मा जी बोल रहे हैं इस वक्त ऑनलाइ ऑफलाइन में जो सिखाते हैं कि ऑफलाइन में सर वो सियाई आर इकट्ठा करने वाला सिखाते हैं तो सर वो सिखाने में मुझे दो कितना टाइम लग जाएगा ऑफलाइन ऑफलाइन होता है बट फिर भी मैं अभी इस तौर पे सिखा रहा हूं कि तुम आगामी समय में तुमको क्या करना चाहिए एक दूसरी चीज वजह और ले रहा हूं मैं वजह बताऊं ये तो एक ऐसा सवाल था जिसमें तीन जीरो थे तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके में ना लाके आसान बना सकते थे हम अगर चाहते तो ठीक है बुरी करो ना ऑप्शन पास पास में रख के मैं थोड़ी रखता हूं भाई सी एच एस एल दो हजार बाईस में आया हुआ है उसको टीसीएस कहते हैं उसे पता है कि बच्चे नजदीकी मूल्य को ले जाएंगे तो उसने इतने जल्दी ऑप्शन रख दिए इतना नजदीकी तुम बता ही नहीं सकते ठीक है तो मैं क्या बुरी करूंगा अपने आप बुरी होगा लेकिन शर्मा जी अभी कुछ देर बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या भाई आर एस चक्कर लाने की जरूरत नहीं है मैं चाहता तो खुश करना मैं भी जानता हूं बच्चों को मैं भी ये चाहता हूं कि यहां मैं सिंपल सिंपल सवाल ले लू पचास हजार रुपए दस परसेंट जीरो से जीरो कटने वाले ले लू और फटाफट जीरो काट के कहूं देखो उत्तर आ गया है ऐसे मैं भी कर सकता हूं लेकिन नहीं करता हूं ना सर क्योंकि तुम्हारे को यहां मैं खुश कर दूंगा एग्जाम में तुम मुझे ही गाली दोगे मैं कभी नहीं चाहता मैं इतने इस तरह के सवाल आप लोगों के सामने परोसता हूं ना कि जितना एग्जाम में मिलेगा उससे थोड़ा सा लेवल हमें ज्यादा लेके चलता हूं ताकि एग्जाम वाले दिन तुम जो है ना वो बैरलर आ जाए आपको एक किस्सा बताता हूं कभी तीरंदा तीरंदाजी का वीडियो देखिएगा जब तीर शूटिंग करते हैं ना तो शूटिंग वाले में एक चीज ध्यान रखना कि लक्ष्य जहां होता है इसे निशाना थोड़ा ऊपर रखा जाता है थोड़ा सा ऊपर रख के फिर निशाना साधा जाता है क्योंकि ऐसा मानना है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तीर नीचे जाएगा और सीधा लक्ष्य पे जाएगा भाई भी आपके साथ वही काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो चीज जो है वो सीधा आ जाएगी तो मैं थोड़ा ऊपर लेके चल रहा हूँ हल्का सा लेकिन ज्यादा हल्का ऊपर लेके नहीं चल रहा हूं ये ध्यान रखिए सर ठीक है अगला देखिए सर सी एच एस एल दो हजार बाईस में हार्ड कैलकुलेशन वाले थोड़े अच्छे अच्छे सवाल मुझे मिले थे तो वही चीज में जो है गदर मचा, हाँ गदर मचा मसाद सर की तरह लेकिन धासू सर की तरह गदर। <laughs> अगर हम अब से तीन साल बाद छियासी सौ चालीस रुपए चाहते हैं और चक्रवर्ती ब्याज दर बीस परसेंट प्रति वर्ष है तो आज हमें कितना धन निवेश करना चाहिए यह मानते हुए कि ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है मैं बार बार आपको बोलता हूँ एक चीज लैंग्वेज का बेरियर तोड़िए आप समझिए एग्जामिनर हमें किस तरह की लैंग्वेज देगा सर अमजीत कुमार कह रहे हैं सर मेरा शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया था सर जी क्या बात है भाई अब देखिए आप ही के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं अमजीत कुमार आप बिहार से हैं यकीनन तो आप ही में आया हुआ सवाल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जो सवाल एग्जाम में नहीं हुआ कम से कम अब तो सिर मत फाड़िए उसको देख के अब तो लगाइए कहता हम तीन साल बाद आठ हजार रुपए चाहते हैं इसका मतलब ये मिस्र धन है भाई क्या है मिस्र धन है 20 वार्षिक ब्याज की दर से तो आप मुझे बताइए 20 का फ्रैक्शन क्या होगा तो आप बोलेंगे एक बटा पांच कितना होगा भाई एक बटा पांच ये कितने साल बाद चाहते हैं हम तीन साल बाद चाह रहे हैं इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट पांच का कितना बनेगा छह ऐसा कितने साल में बनेगा तीन साल में पांच का क्यूब बताइए तो आप बोलेंगे एक और छह का क्यूब बताइए तो आप बोलेंगे दो ये तो भाई एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए मैं इन पर पीएचडी नहीं करवा रहा हूं आप लोगों को नहीं तो आप लोग शर्मा जी जब ऑफलाइन के बारे में मुझे बता रहे थे दासुतर की की तरह तरह का बुरा लगेगा गुरु दासुतर की तरह करता ठीक <laughs> है तो मैं इस पर थोड़ा सा आप लोगों को टाइम होता तो पीएचडी करवा सकता था और इसके दिमाग में ऐसे नसों में चढ़ा सकता था इससे लेकिन अभी टाइम नहीं है मजबूरी है इसलिए आप लोग जो पढ़ा रहा हूँ उसी को देखिए सर ये कहता है कि 200 कितना निवेश करना पड़ेगा हमें कहता है सर इस 216 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है सर बोलो चार दुनी आठ देखो देखे और 16 चौके चौसठ 40 गुना है क्या इसका अरे 16 चौके चौसठ देखो चौसठ चार दुनी आठ तो इसका भी चालीस गुणा कर दीजिए भाई अगर इसका चालीस गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा पांच भाई चार सौ और का 100 पांच सौ पांच सौ बोले तो पांच हजार उत्तर बोलो क्या आ जाएगा एक नंबर ये एस एस सी जी डी में आने लायक वाला सवाल है ठीक है एस एस सी जी डी के जो भी एग्जाम देंगे प्लीज आप लोग सवाल को समझने की कोशिश कीजिए आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा बहुत अच्छा सवाल है सिंपल सा सवाल है अगला देखिए देखिए पहली चीज तो यहां है ना सर ये आठ सौ अड़तालीस नहीं है ये 484 रुपए है इसको ठीक कर लो पहली चीज तो 848 नहीं 484 है इसको ठीक कर लीजिए 484 है ये 848 नहीं है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दो वर्षों में दे 484 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा हमसे पूछा है हाँ जी बताइए सही सा, बहुत अब अब तक का थोड़ा रिलैक्स वाला सवाल दिया है ऐसा नहीं है ना कि गाड़ी बहुत दबाव में चल रही होती है फिर थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिलता है तो एकदम रिलैक्स वाला सवाल अब दिया है बोलो भाई दस परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है तो आप बोलेंगे गुरु जी एक बटा दस इसका मतलब दस का स्क्वायर और ग्यारह का स्क्वायर यही होगा ये यह प्रिंसिपल और ये क्या हो जाएगा भाई अमाउंट आप कहेंगे सर इधर बना है कितना सो और इधर बना है एक सौ इक्कीस कहता है दो वर्ष इसका मतलब है उधार अगर आप सौ रुपया ले रहे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा एक सौ इक्कीस सर इस एक सौ इक्कीस की वैल्यू चार सौ चौरासी रुपये दे रखी है कोई भी आराम से सवाल बता सकता है तो इसका कितना मल्टीपल हो जाएगा इक्कीसों का चौरासी तो इसका भी हम कितना कर देंगे सर चार गुना कर देंगे और चार गुना करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा चार सौ उत्तर बोलो चार सौ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप बोलेंगे यस उत्तर चार सौ ही आ रहा है ठीक है इसको तो देखो कितना जल्दी बना दिए हो तुम है ना एक सिंपल सा सवाल क्या दे दिया हालांकि मैंने क्या दिया भाई देखो टीसीएस नहीं दिया है तो तुम कितने खुश खुश नजर आ रहे हो सारे के सारे नेक्स्ट सवाल देखिए सर सोचिए सवाल वही सीएचएसएल 2022 का है ठीक है अच्छे-अच्छे सवाल हैं मुझे ऐसा लगा कि यहां से सवाल परीक्षा में आ सकता है वहीं से मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूं ठीक एलसी मनपूसे नोटबुक पढ़ रहे अच्छा अपने औजार वाला थैला निकालना पड़ेगा मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ अभी जब इसका एक सेपरेट बेच में सोच रहा हूँ कि कई सारे बच्चे ये चाह रहे हैं कि एक सेपरेट बेच होना चाहिए तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट बेच आप लोगों को इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देना चाहिए मैथ्स स्पेशल तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि औजार पाती का थेला क्या है कि कोई भी मिस्त्री होता है तुम सवाल निकालते जाओ कोई भी मिस्त्री जो होता है ना वो किसी भी चीज का अगर मिस्त्री है तो वो कहीं भी जाएगा तो जैसे गाड़ी खराब हो गया तो उसके पास औजार पाती का एक थैला होता है साथ में वो जाके चेक करेगा फिर कहेगा नहीं पार पड़ेगी कारखाने में ले आओ तो मैं बच्चों को एक कॉपी में एक कॉपी डलवाता हूँ दस रुपये बीस रुपए की छोटी सी कॉपी उसको मैं औजार पाती का थैला बोलता हूँ उसमें गणित और रीजनिंग का पूरा सार छुपा होता है बच्चा कहीं भी पसता है उसको खोल लेता है सवाल में निकल लेता है इतना मतलब एक बीस रुपए की कॉपी में इतना सब कुछ करवा देता हूं बाकी तो मैथ्स की चार कॉपियां बढ़ती हैं सौ सौ रुपए की सर वो अलग मुद्दा है लेकिन सवालों को आसान बनाने का तरीका है एलसी गुमाऊत उसी की बात कर रहा है बी आप उत्तर दे दिए हैं बोलिए सर दस परसेंट साल की बात कर रहा है दस का फ्रैक्शन आपको जानते हैं कितना होगा तो आप बोलेंगे सर एक बटा कितना होगा दस इसका मतलब आप कह दीजिए गुरुजी प्रिंसिपल और अमाउंट इधर होगा दस का स्क्वायर दो साल का मतलब और इधर होगा ग्यारह का स्क्वायर आप बोलेंगे सर दस का स्क्वायर कितना हो जाएगा सो और ग्यारह का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक सौ इक्कीस बोलो यही होगा कि नहीं होगा कोई मुझे बताएगा सीआई कितना है तो आप बोलेंगे सर सी आई इक्कीस है अब हमें कहता है कि चक्रवर्ती ब्याज जो है वो बयालीस सौ रुपए है मतलब इस 21 की वैल्यू बयालीस सौ रुपए दे रखी है बस रुपए नहीं है, दुना 42, कितना गुना है? 200 गुना। कहता है तो भाई हर कोई कहेगा कि उत्तर कितना आ जाएगा बीस हजार रुपए और अगर उत्तर बीस हजार रुपए होगा तो उत्तर बताइए दो नंबर आया या नहीं आया क्लियर है सब लोगों का कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा तुम्हारा तो वक्त आया हमारा दो रहेगा क्या बात है आप लोग है ना गजब की शायरी लिखते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए भाई मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ लिख ले पढ़ लिखने के बाद चार कॉपी में कोनी सर है सर जी हाँ <laughs> बात तो ये भी सही है एलजेबरा की एक कॉपी भर गई थी सर ज्योति आज क्लास नहीं ले रही है ज्योति ज्योति मेरी पुरानी स्टूडेंट रही है सेनी कई बार आप कमेंट देखते होंगे एक दिन में ऐसे एलजेबरा पढ़ा के ऑफलाइन का बेस था मैथ स्पेशल तो खत्म किया तो एलजेब्रा में ऐसे ही कॉपी देख लिया उसकी तो एक कॉपी उसने अलग से डाल रखी थी राधा या ज्योति दोनों बहन ही थी उनमें से एक का था पूरी इतनी मोटी एक एल्जेब्रा की कॉपी भर दी उसने जब ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है तो पचपन राशि पर सात पर दो मतलब अच्छा सोचिए परीक्षा में तुम कितनी देर में इस सवाल को बना के आओगे वो देखिए अभी भी कह रहा हूं भाई इनकी आदत बना लीजिए ऐसे सवालों को जल्दी करने का तुम उमदा तरीका ढूंढ लीजिए कहता है सात परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से सात परसेंट का मतलब सात वा सो ऐसा ही आप कहेंगे एक तरफ आप कहेंगे प्रिंसिपल और एक तरफ कहेंगे आप अमाउंट आप कहेंगे सौ रुपए उधार दो एक सौ सात वापस पाओ यहां स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि समय हमें दो साल दे रखा है क्यूब करते तो हम क्यूब कर लेते इसका मतलब भाई यहां कहेंगे इसका तो स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा? दस हजार और इसका स्क्वायर आज ही मैंने बताया है जो लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बात बताई थी आप प्लीज उसको जानिए ये देखो स्क्वायर कैसे शॉर्टकट में करते हैं ये सारे स्क्वायर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताए हैं आप जाइए पीछे समझिए क्लास को एक का स्क्वायर कैसे करना है बोलो कितना ज्यादा है सात सात का स्क्वायर कितना होगा एक सौ में सात जोड़ दो तो आप बोलेंगे एक आप मुझे बताइए दस हजार की जगह रुपए हो गया तो सीआई कितना बना तो आप बोलेंगे रुपए बना है 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 सर बढ़िया बात उत्तर नंबर आप बता चुके हैं कहता है, प्राप्त होने वाला ब्याज बताइए अब सोचिए सर सर ये जो वैल्यू दे रखी है ये मूलधन दे रखा है इधर मूलधन कितना है आप कहेंगे दस हजार इसका मतलब आप लोग ये कहेंगे ना कि ये जो पांच लाख पचास हजार रुपए का मूलधन है ये पांच लाख पचास हजार रुपए का मूलधन इधर दस हजार के इक्वल है तो एक की वैल्यू होगी बटा दस हजार इस दस हजार की जो वैल्यू दे रखी है वो दस हजार की वैल्यू पांच लाख पचास हजार है तो एक की वैल्यू पांच लाख पचास हजार बटा दस हजार ये एक की वैल्यू आ गई जितने का चाहिए मेरे दोस्त उतने से गुणा कर दो चौदह से आप इससे गुणा कर दीजिए आप कहेंगे सर गुणा तो हम नहीं कर पाएंगे भाई चार जीरो से चार जीरो हम काट लेंगे आप चाहो तो डिजिट सम लगा सकते हो डिजिट सम चार चार आठ और एक नौ डिजिट सम जीरो हो जाएगा आठ से चौदह और पाँच ये नहीं होगा अगर यहाँ देखेंगे छह से बारह नौ कट गया बारह और पाँच सत्रह ये भी नहीं होगा सर hmm. यहाँ बन गया सात तेरह और पाँच अट्ठारह सी डी उतर आ रहा है क्या देखो देखे डी उतर आ रहा है क्या बताइए सर बिना गुणा किए मैंने बता दिया डिजिट सम से एक मेथड होता है सर डिजिट सम ठीक है अब तुम मुझे गाली दोगे कि वो डिजिट समी पहले क्यों नहीं सिखा देता

यही आपका बनना है कई कई बच्चे कह रहे हैं सर जी हम तो मल्टीपल करना चाहते हैं कि मल्टीपल ही हम करना चाहते हैं तो मल्टीपल सुनो सर अच्छा एक चीज और बताऊं क्या डिजिट डिजिट सम अगर किसी को जानना है तो सम का थोड़ा सा पहलू जान लीजिए सर डिजिट सम का पहलू जान लीजिए हमें इधर थोड़ी देर पहले पचपन गुणा चौदह सौ कितना करना था उनचास करना था ठीक है इसका मल्टीपल करना क्या होगा डिजिट सम का मेथड क्या होता है थोड़ा सा अगर जान लीजिए कोई समझ पाए तो मैं बहुत अच्छा समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक है अगर किसी को मेरा डिजिट सम थोड़ा बहुत समझ आ जाता है गुड इवनिंग भाई जितेंद्र अगर मान लीजिए डिजिट डिजिट सम सम फिर भी भी नहीं आता है 11 11 का रूल अप्लाई आप कर सकते हैं लेकिन 11 से जल्दी डिजिट होगा अगर नहीं आता है तो फिर एक डिजिट सम की क्लास अलग से रखी जाएगी एक डेढ़ घंटे की उसमें मैं आपको डिजिट सम ही पढ़ाऊंगा कि डिजिट सम एक्चुअल में है क्या सर ठीक है हाँ डिजिट सम के बारे में मैं बता देता हूँ सर डिजिट सम ये कहता है कि इसके अंकों का योग करो तो पांच और पांच दस दस को दोबारा जोड़ो दस और एक जीरो और एक एक तो इसका डिजिट सम आया एक मतलब अंकों का योग कीजिए इसी को को डिजिट डिजिट सम सम कहते हैं पांच और पांच दोबारा दस, दस जोड़ो एक आया डिजिट सम ये कहता है कि अगर नो आ जाए योग तो उस नो को हटा दिया जाता है उसको जीरो माना जाता है अगर योग नो आ जाए तो उसको जीरो मान लिया जाता है गुरु जी पता भी नहीं चला एक घंटा पूरा हो चुका है क्या बात है तो आप कहेंगे सर पांच और पांच दस कितना बचा भाई एक डिजिट सम हुआ इसका डिजिट सम मेथड ये कहता है कि अगर अंकों को जोड़ने पर नो आता है तो नो को जीरो मानते हुए हटा दो तो मैं इस जीरो को नो को हटा दूंगा जीरो मानते हुए या फिर तुम ऐसे कर लो चार चार आठ और एक नौ और नो अठारह अठारह का डिजिट सम अगर मैं करूंगा ना ऐसे समझ लीजिए इसका डिजिट सम अठारह आया है और अठारह का डिजिट सम मैं नो करूंगा और नो को जीरो मानते हुए हटा दिया जाता है जीरो मानते हुए हटा दिया जाता है तो मेरा जो भी आंसर आएगा उसके अंकों का योग कन्फर्म जीरो आएगा सर मेरा जो भी उत्तर आएगा उसका योग जो है वो जीरो आएगा मैंने इसी को डिजिट सम बोला है मैंने गुणा नहीं किया डिजिट सम कैसे अप्लाई करा देखो यहां मैंने देखा यार चार चार आठ और एक नौ नो, नौ का जीरो हो गया इस नौ का भी जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करूंगा तो जीरो ही आएगा जीरो को इसका जीरो हो रहा है जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करूंगा तो जीरो आएगा मतलब मेरा पर्सन वो सही होगा जिसके अंकों का योग जीरो आ रहा हो डिजिट सम जीरो बन रहा हो यहां देखूंगा सर आठ और छः चौदह चौदह और पांच अगर करूंगा उन्नीस उन्नीस का डिजिट सम जो होता है वो नो हट जाएगा तो एक बचता है जीरो नहीं बचता है मैंने देखा छह छह बारह ये नो तो पूरी तरह हट चुका है छह छह बारह और पांच सत्रह और दो उन्नीस ये भी नहीं होगा मैंने देखा नो हट गया नो हट गया सात और छ तेरह ये भी नहीं होगा मैंने देखा नौ हट गया नो हट गया और छः तेरह और पांच अट्ठारह ता का भी नो हट गया मतलब यही आप लोगों का राइट आंसर होगा चाहो तो तुम गुणा भी कर सकते हो इसी को डिजिट सम कहते हैं बाकी डिजिट सम की अलग से क्लास ली जाएगी सर ठीक है, ज्यादा लोड मत लीजिए दिमाग फट जाएगा डिजिट सम की अलग से क्लास ली जाएगी एक और सच में हमें पढ़ते हुए घंटा हो गया क्या बात है भाई? <coughs> बताइए क्या होगा ये आसान सा है इस पर ज्यादा लोड नहीं देंगे मुझे लगता है यह सवाल अब तक आ चुका होगा पांच परसेंट की दर से इसको एक तरीका और बताता हूं सर लाइक ठोको भाई क्या बात है एक तरीका और बता सकता हूं मैं कुल दर निकाल सकता हूं पांच प्लस पांच प्लस पांच गुणा पांच बटा कितना कर सकते हो आप सो ऐसे भी तुम कर सकते हो तो आप कहेंगे सर पांच और पांच कितना होगा दस और पांच पांच कितना हो जाएगा पच्चीस इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि जो टोटल ब्याज दर बनेगी वो पच्चीस पॉइंट दो पांच परसेंट बनेगी ये टोटल सीआईआर बनी है आप लोगों की 25.25 25. हमें कहता है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा दस हजार रुपए का दो साल पर तो आप कहेंगे सर इस दस हजार का 10.25 परसेंट निकाल दो 10.25 परसेंट निकालोगे दो जीरो से दो जीरो और दो जीरो से दो पॉइंट गए एक हजार पच्चीस रुपए आप लोगों का राइट आंसर होगा उत्तर जो है वो तीन नंबर बन जाएगा पेन फ्री सवाल है इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है एक हजार कितना रुपया बन जाएगा पच्चीस रुपया आपका राइट right आंसर होगा लेकिन आप एक बात और समझिए सर प्लीज एक बात आप और जानिए सारे लोग यहां जो है आप लोगों का उत्तर जो बना है वो बन गया चलो जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दस पॉइंट दो पांच परसेंट सी आई आर आप लोगों का बन गया लेकिन एक चीज आप प्लीज और समझिए कि दस हजार रुपए पर अगर उस तरीके से बनाते तो भी यही आंसर आता अब कब ये अप्रोच दिमाग में लाना है वो तुम समझो मेरे बता देने से कुछ नहीं होगा मेरे बताने के हजार तरीके हैं सर आप लोगों के दिमाग में ये जल्दी कैसे आएगा सर अगर परसेंट आपका पूर्णांक में है मूलधन जीरो वाला दिया है मूलधन में अगर जीरो ज्यादा है तो फिर तुम इस अप्रोच से लगा लो थोड़ा जल्दी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है सर अगला देखो सर अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है हल्के हल्के अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं अरे माइकल भाई ये सच में ही एसएससी सी एस में इतने पूछे थे या तू मजाक में सबका ही एक ही छाप गया नहीं माइकल सर की कोई गलती नहीं है भाई इतने सवाल थे ही सी के ही हम्म उत्तर दीजिए बारह हजार पांच सौ रुपए को बारह परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है एक वर्ष और चार महीने के चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित राशि कितनी होगी ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का सवाल है मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों में से कितने लोग इसका उत्तर दे देते हैं और किस तरीके से उत्तर दे देते, देते हैं आइए जानिए सर सुनिए सारे लोग यदि 12,500 को 12 परसेंट प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है एक वर्ष और चार महीने के चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित हो तो प्राप्त राशि बताइए कितनी होगी सर यहां एक चीज ध्यान रखो एक थोड़ा सा मामला यहां चेंज है एक वर्ष चार महीना एक आपको अलग बात बताता हूं समझिए सर एक वर्ष पहले इस कहानी को समझ लो बहुत काम आएगा अभी आगे मुद्दा ही इसी तरीके से चलेगा एक वर्ष और हमें बोल दिया चार माह है चलो ये तो एक वर्ष है चार महीने का कितना वर्ष बनता है ये देख लो सर महीने को वर्ष में बदलने के लिए बारह से भाग दिया जाता है अगर बारह से भाग दूंगा तो एक बटा तीन वर्ष बोलूंगा मैं इसका मतलब अगला चाहता तो सवाल को ऐसे भी लिख सकता था एक सही एक बटा तीन वर्ष अगला चाहता तो इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता था एक सही एक बटा तीन वर्ष बोल सकता था तो सर एक वर्ष चार माह है की जगह अगला ये कह सकता था हमें सवाल में कि एक सही एक बटा तीन वर्ष का ब्याज बताइए एक एक वर्ष वर्ष का का और एक चार माह का इन दोनों में बहुत अलग अलग फर्क नहीं है 100 ये एक ही बात के दो पहलू हैं ऐसा लिखिए है है, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक वर्ष चार माह को एक से ही एक बटा तीन वर्ष बनाएंगे ये अब मेरा अगला पांच मिनट उन लोगों के लिए समर्पित है जो जिंदगी में पहली बार चक्रवर्ती ब्याज के ऐसे सवालों से सामना कर रहे हैं प्लीज जानने की कोशिश कीजिए समझिए क्या सेंस है 12,500 का 12 परसेंट प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष हमारे यहां समय जो दिया है ना इस समय को खेलो सर इसके साथ खेलना शुरू कीजिए समय मेरे पास एक वर्ष तो अलग है तो यह समय एक वर्ष अलग है और प्लस एक बटा तीन वर्ष अलग है तो एक बटा तीन वर्ष अलग है लड़के लड़कियां सारे लोग आप ध्यान से सुनोगे ठीक है एक वर्ष की अगर मैं दर की बात करूंगा तो एक वर्ष की दर जो होगी वो बारह होगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सवाल कह रहा है और दूसरे एक वटा तीन वर्ष की जो दर होगी ना तो एक बार तो दर है बारह परसेंट दूसरी बार जो दर होगी वो अगर एक साल की यहां ध्यान रखना बारह परसेंट एक साल की दर है भाई अगर एक साल की दर 12 परसेंट है तो मेरे पास समय एक वर्ष तो पूरा का पूरा है और एक बटा तीन वर्ष और ज्यादा है एक साल की दर 12 परसेंट प्रति वर्ष का मतलब है एक साल की दर 12 परसेंट है अगर एक साल की दर 12 परसेंट है तो इस एक साल का तो 12 परसेंट आंसर हो गया है अब मैं कहूं एक बटा तीन वर्ष का और कितना परसेंट होगा तो आप कहेंगे अगर एक साल का बारह परसेंट है तो एक बटा तीन वर्ष का जो परसेंट होगा वो कितना परसेंट होगा भाई चार परसेंट होगा तो ये चार परसेंट हो गया तो बारह परसेंट तो पहले साल का हो गया और जो बचावा चार महीना था उसका कितना परसेंट हो गया चार महीने एक तरीका तो ये हो गया दूसरा तरीका जो है सर साधारण ब्याज का प्लेलिस्ट में पार्ट टू नहीं है एक और तीन है पार्ट टू प्लेलिस्ट में ऐड करता हूं उसको प्लेलिस्ट में नहीं था वो रिकॉर्डेड था वीडियोज में जाओगे तो ही वहां मिलेगा आज ऐड कर देता हूं उसको ठीक है हाँ प्ले लिस्ट में एड कर दूंगा तो बारह परसेंट और चार परसेंट शर्मा जी आप एक तरीका और लगा सकते थे भाई एक साल की दर बारह परसेंट है तो बारह परसेंट तो यहाँ इसकी होगी चार परसेंट इसकी होगी चार महीने की चार परसेंट हम ऐसे कर सकते थे इतना कुछ करना नहीं था लेकिन आगे के सवालों के लिए कहानी सिखा रहा हूँ समझिए कह देता है अब उत्तर निकाल लीजिए आप अपना तो आपके पास उत्तर निकालने के कई सारे तरीके हैं पहला तरीका तो यही है हमें कहता है कि ब्याज पर संयोजित प्राप्त राशि क्या है हमें कह रहा है तो आप कहिए सर बारह पांच सौ एक तो तरीका यह है गुणा एक सौ बारह बटा कितना कर आप कहेंगे सो और फिर कह दीजिए सर एक सौ चार बटा कितना सो या तो ऐसा कर लीजिए कुछ भी कहजिए हजार तरीके हैं आप लोगों के पास है फ्रैक्शन बनाओ फ्रैक्शन बनाओ नहीं बनाओ मत बनाओ ये काट दो लो पच्चीस बन जाए एक सौ पच्चीस और पच्चीसों होगा कितना हो जाएगा सो यही होगा अगर मैं यहाँ चार से काटूंगा तो कितनी छब्बीस बार छब्बीस होगा एक सौ चार पच्चीस को अगर छब्बीस से गुणा करूंगा तो बन जाएगा छो पचास और गुणा करूंगा सर छसो पचास को एक सौ बारह से गुणा करूंगा तो आंसर मेरा आ जाएगा नहीं दो जीरो वाला तो कोई आंसर नहीं है मतलब मैंने कहीं गलती कर दी है एक बार देख लीजिए बारह हजार पांच सौ का बारह परसेंट पहले साल के लिए है और चार परसेंट अगले के लिए एक सौ बारह और आप यहाँ कह देंगे सॉरी 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 आप कहेंगे सर चार बार यही होगा दो जीरो से दो जीरो कट गया है तो यहां से अगर मैं काटूंगा तो पच्ची पंजे एक सौ पच्चीस यहाँ पांच ही होगा सर पच्चीस से काटूंगा पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस पच्ची और पच्चीसों चौका सौ यहां से काटूंगा छब्बीस बार कटेगा छब्बीस पंजे एक सौ तीस एक सौ तीस को किससे गुणा करोगे एक सौ बारह से अगर 112 से गुणा करेंगे तो भाई जीरो का जीरो रहेगा तेरा दुणे कितना होगा छब्बीस लास्ट में साठ देखो टीसीएस कहते रहे उसे माताफोड़ी क्या करवा रही है डिजिट हम नहीं लगा सकते आप उसमें ठीक है हाँ कहां चले गए

है भाई अगर एक साल की दर बारह परसेंट है तो मेरे पास दो तरह के समय है एक तो पूरा का पूरा एक साल है तो उस एक साल तक तो ब्याज दर जो है वो 12 परसेंट होगी अब ऐसे मत कर देना 12 चार सोलह परसेंट डायरेक्ट ही कर दो तू नहीं भाई ये दो बार हिसाब होगा हर परसेंट, हर 12 12 साल पर पर हिसाब हिसाब होता है तो परसेंट पर एक होगा अगला टाइम तीन, तो तीन लगेगी जितना टाइम है उसको दर से गुणा कर दो तो बारह बारह एकम एक बारह पहली बार जो ब्याज लगेगा वो बारह परसेंट लगेगा दूसरी बार जो ब्याज लगेगा बारह गुना एक बटा तीन चार परसेंट ही लगेगा मतलब दो बार आपको हिसाब करना है दर जो है वो 12% परसेंट और 4% परसेंट की दर से दो बार हिसाब आप कर दो और निकाल दो यही सवाल आपका बन रहा होगा ये सवाल दो हजार इक्कीस का सवाल पूछा है उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें समझ में आ रही है बिना किसी दिक्कत के क्लियर है सर देखो आठ परसेंट का फ्रैक्शन बताइए वैसे होमवर्क से सवाल है लेकिन फिर भी देखिए मैं चाहता हूं तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो इतनी प्रैक्टिस हो कि दस तारीख को जब तुम्हारी परीक्षा स्टार्ट हो तो तुमको मजा आ जाए आठ परसेंट का फ्रैक्शन होगा सर चार दो पच्चीस होगा सो हो। इसका मतलब आप कहेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर इधर पच्चीस है और इधर छब्बीस रुपए होगा कहता है कितने से दो वर्ष ही बोला है तीन वर्ष होता तो क्यूब हम करते दो वर्ष है तो स्क्वायर हम यहां करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो गया यहाँ स्क्वायर हो गया है आप बोलेंगे सर ये तो बन गया पच्चीस का स्क्वायर छ और ये बन गया सात यही बना है 625 और सात में अगर मैं फर्क देखूंगा ओके कोई बात नहीं सर हाँ तो सीआई जो बना है वो कितना बना है सर 104 बना है देखो देखे 104 का डायरेक्ट मल्टीपल बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग एक उत्तर आ गया 104 का डायरेक्ट मल्टीपल 1040 बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग 104 का मल्टीपल हो गया अगला कहता है बासठ है सर मूलधन बासठ है मतलब इसकी वैल्यू जो दे रखी है भाई वो बासठ दे रखी है तो ओरिजिनल की तुलना में डुप्लीकेट का ओरिजिनल कितना गुना है दस गुना तो आप इसको भी कितना गुना कर दीजिए आप कहेंगे गुना गुना और दस गुना करेंगे तो एक हजार चालीस रुपये होगा तो उत्तर बताइए कितना बन जाएगा आपका राइट आंसर होगा उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है कोई दिक्कत नहीं होगी क्लियर है वॉइस वगैरह इतना बहुत है जोर जोर से चिल्लाने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं होगी स्लो मौसम में आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ चीजें आपको आराम आराम से समझ में आ रही होंगी कोई दिक्कत नहीं होगा 12,500 रुपए पर एक वर्ष में 12 परसेंट प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती अर्धवार्षिक रूप से संयोजित आ जाता है आओ नई चीज सीखते हैं सर मैं पानी पीता हूं मतलब एक छोटा सा मिनी ब्रेक लेता हूं पानी पीने जितना आप लोग फटाफट मुझे बताइए इसका क्या जवाब होना चाहिए फिर मैं आपको एक नया पैटर्न सिखाता हूं यहां अब आ जाएगा आपका पांच मासिक वाला और सारा का सारा अंकित कुमार ने आज पेन ले रखा है और कॉपी ले रखी है मुझे पता है ठीक है हाँ बारह हजार पांच सौ पर एक वर्ष में बारह परसेंट की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए ब्याज अर्धवार्षिक रूप से तय है बस ये वाली नई चीज सीखो यहाँ जो पैटर्न है 1040 पीछे वाले का उत्तर दे रही हैं संतु आप है ना शर्मा जी आप भी पीछे वाले का उत्तर दे रहे हैं अंकित कुमार आप भी पीछे वाले का उत्तर ही दे रहे हो क्या मैं अब वाले का उत्तर चाह रहा हूं आप लोगों से अब वाले का विक्रम भाई दे रहे हैं बी उत्तर पंद्रह क्या बात है विक्रम देखो 12,500 पर एक वर्ष में बारह परसेंट प्रति वर्ष की चक्रवर्ती है वो ज्ञात कीजिए ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है सारे लोग प्लीज जानिए समझिए क्या सेंस है इसका चक्र ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है यहां एक चीज समझो मैं पूरा सवाल लिखता हूं अगर ऐसे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं और अब की बार जो एन में तुम्हारे दिक्कत कर गया था उससे भी आप समझने की कोशिश कीजिए बारह हजार पांच सौ रुपए है ठीक बात है तो ये बारह हजार पांच सौ दर जो दी है ना आपको दर दी है कितनी भाई दर दी है 12 परसेंट प्रति तो 12 परसेंट प्रति वर्ष यह समझना जरूरी है एक साल की 12 परसेंट वार्षिक है और समय आप लोगों को कितना दिया है समय नहीं दिया एक वर्ष दिया है अगर समय एक वर्ष दिया है तो समय आप लोगों को दिया है एक वर्ष लेकिन प्लीज आप इस चीज को जानिए कि गणना कैसी दी है तो आप बोलेंगे सर गणना जो हमें दी है वो छह माह दी है अर्धवार्षिक हाफ ईयरली है हाफ ईयरली का मतलब सिक्स मंथ से कैलकुलेट होगा हमारा ब्याज सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है भाई मिस्टर परफेक्ट उत्तर आप बी दे रहे हैं बहुत बढ़िया है बात है आपकी बात परफेक्ट है तो दो ही उत्तर देंगे नया पैटर्न समझिए आज तक आपने ये सुना होगा कई कई लोगों से और वो ये सुना होगा कि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो समय दुगुना दर आदि कर दी जाती है उनको हाथ जोड़ लीजिए कि सर वो जमाना जा चुका है कि ब्याज षिक हो तो समय दुगुना दर आदि कर दी जाती है मत करो ऐसा समझो देखो हर छह महीने पर हिसाब होगा कोई मुझे यह बताने की कोशिश करेगा कि यह जो बारह परसेंट ब्याज है ये बारह परसेंट कितने समय का ब्याज है आप बोलेंगे सर एक साल का कितने साल का एक साल पूरा होने पर 12 परसेंट देना पड़ेगा इधर हिसाब कितने महीने पर हो रहा है छह महीने पर अरे भाई अगर 12 महीने का जो ब्याज है ना वो 12 महीने का ब्याज आपके अगर 12 परसेंट है तो कोई मुझे बताएगा छह महीने का ब्याज कितना होगा तो आप बोलेंगे छह परसेंट होगा कितना परसेंट होगा छह परसेंट अब मुझे बताओ छह महीने की अगर गणना है और समय मेरे पास अगर टोटल एक साल है तो गणना एक साल में टोटल कितनी बार होगी तो इसका मतलब है गणना एक साल में दो बार होगी भाई अगर एक साल में गणना दो बार होगी तो आप लोग मुझे ये बताइए टोटल कहां चला गया रे अगर गणना एक साल में दो बार होगी आपको यही समझना है गणना एक साल में कितनी बार होगी तो आप बोलेंगे सर गणना एक साल में दो बार होगी अरे भाई अगर गणना एक साल में दो बार होगी तो हमारा जो नया सवाल है ना वो पता है क्या बन गया है मतलब ये कह दो सर टोटल समय कितना है एक साल अगर एक साल में गणना दो बार हो रही है तो पहली बात तो ये देखो दो पूरे गणना बारह की हो रही है अगर छह महीने पर गणना करूंगा तो बारह का आधा छह छह परसेंट लगेगा कि नहीं लगेगा आप बिल्कुल कहेंगे पहली बार गणना करोगे छह परसेंट एक साल में दो बार गणना होती है दूसरी बार भी करोगे छह परसेंट यही समझना है अगर गणना दो बार हो रही है ना तो दर को उतने जितनी बार गणना होती है दर को उतने से भाग दे दो और समय को उतने से गुणा कर दो अब ऐसा समझ सकते हो एक साल में जितनी बार गणना होती है समय को उससे गुणा कर दो और दर को उससे भाग दे दीजिए या तो तुम ये कह दीजिए या फिर तुम एक दिमाग में यह आइडिया लगाइए कि अगर 12 महीने की गणना 12 परसेंट है तो 6 महीने पर की गणना अगर करूंगा तो 6 परसेंट होगी और एक साल में छः परसेंट की दर से दो बार होगा तो हमारा सवाल अब यह बन चुका है सर कि छह छह परसेंट की दर से दो बार कैलकुलेट कर दीजिए अगर दो बार कैलकुलेट करेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज हमें बताना है सर कोई मुझे बताएगा छह का फ्रैक्शन कितना होता है आप बोलेंगे सर छः परसेंट का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है तीन बटा तीन दूनी छः और पचास दूनी सौ छः परसेंट का फ्रैक्शन पचास बटा तीन होता है आप एक तरफ प्रिंसिपल कहेंगे एक तरफ भाई अमाउंट कहेंगे आप बोलेंगे पचास और इधर तीन त्रेपन पचास का स्क्वायर और इधर त्रपन का स्क्वायर पचास का स्क्वायर कितना बन जाएगा आप बोलेंगे पच्चीस सौ रुपये और इसका हो जाएगा सर अट्ठाईस जीरो नौ अगर मैं कहूंगा बताओ सीआई कितना मिला तो आप बोलेंगे बोले सर तीन सौ नौ रुपये मिला है मेरे भाई अगर तीन सौ नौ रुपये मिला है तो इधर बारह हज़ार पाँच सौ रुपये इसकी वैल्यू दे रखी है अगर बारह हज़ार पाँच सौ रुपये इसकी वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले यही देखो कि दो जीरो की जगह तो दो जीरो है पच्चीस पंज एक सौ पच्चीस क्या ये पाँच गुना है क्या इसका आप कहेंगे हाँ तो इसका भी आप पाँच गुना कर दीजिए सर पाँच गुना करेंगे तो पंद्रह सौ कितना रुपया हो जाएगा पैंतालीस रुपये और पंद्रह सौ पैंतालीस रुपये होने का मतलब बी आप लोगों का राइट आंसर होगा बताइए किसी को दिक्कत हो तो समझिए आराम से बहुत आसानी से मैंने बताया है लेकिन इधर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट उन बच्चों को बताया है जो जिंदगी में पहली बार इन चीजों का सामना कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट है सर ठीक है ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कहा है कि हमारे को सवाल में ही दे रखा है बारह हजार पांच सौ रुपए का बारह परसेंट वार्षिक दर से लेकिन गणना जो है वो अर्धवार्षिक है तो तुम ये कह दो साल में गणना दो बार होगी अगर साल में गणना दो बार होगी तो ये दर जो है वो एक साल वाली दो भागों में टूट जाएगी दो भागों में टूटेगी तो छह हर महीने पर छह महीने पर लगेगा तो ऐसा हमारे को समय अगले ने एक साल दे रखा है तो एक साल में दो बार गणना हो जाएगी अगला सवाल आप एक बार और देखिए देखें इसको समझिए बताइए कितना होगा कितने का एक वर्ष का ये भी आसान सा सवाल है है इससे आप बना सकते हैं 2021 का है। यहीं से आप लोगों के अच्छे अच्छे अप्रोच जो है वो शुरू होंगे ठीक है सोना नहीं है किसी को पढ़ते जाना है मैं प्रैक्टिस जरूरत से ज्यादा करवा रहा हूँ प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं कि आज जरूरत इन्हीं सवालों में स्कोर बनाने की है भाई हाँ बारह पॉइंट तीन छह परसेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते थे लेकिन बारह पॉइंट तीन छः परसेंट निकालने से आपको पता है क्या था वहां जो एक सौ पच्चीस बारह हजार पाँच सौ था इसका तुम बारह पॉइंट तीन छह परसेंट जब निकालोगे ना तो तुम लोगों को फिर माथाफोड़ी करनी पड़ेगी दो जीरो से दो जीरो एक सौ पच्चीस से तुमको गुणा करना पड़ेगा इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा सर रीजनिंग का क्लास कब से लेते हैं अमजीत भाई शाम को पांच बजे से छह बजे तक रीजनिंग का क्लास चलता है मॉक टेस्ट ओनली फॉर मॉक टेस्ट चलता है ठीक है मॉक टेस्ट चलता है पांच बजे से छह बजे तक विक्रम भाई उत्तर दे दिए हैं 1224 1224 1224 मतलब विक्रम सूर्या भाई जो है ना वो फॉर्म में है पूरे बताइए सर आठ परसेंट प्रति वर्ष की दर लग रही है सर ठीक है और ब्याज एक वर्ष का हमारे पास टोटल समय है ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है मतलब हर छह महीने पर गणना होती है तो एक साल में दो बार गणना होगी अगर एक साल में दो बार गणना होगी तो इस एक साल में सच में ही दो बार गणना हमें करनी है लेकिन आप ध्यान रखें पूरे साल की दर अगर आठ परसेंट है तो फिर हर छह महीने की जो दर होगी ना वो चार परसेंट होगी तो चार चार परसेंट के दो टुकड़े बनेंगे सर पहले छह महीने में चार परसेंट और दूसरे छह महीने में चार परसेंट अगर मैं कहूं एक साथ प्रभावी दर बताइए पूरे साल की अर्धवार्षिक गणना करने पर प्रभावी दर क्या होगी तो एक साल अगर हर छह महीने से गणना करें आठ परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से अगर अर्धवार्षिक रूप से गणना करें तो प्रभावी दर क्या होगी तो आप बोलेंगे चार और चार आठ और चार चौका सोलह तो आप बोलेंगे आठ पॉइंट कितना एक छह परसेंट अगर टोटल एस आई आर हम देखना चाहते तो आठ पॉइंट एक छह निकाल देते आप ये कह सकते थे सर कि यहाँ पंद्रह हजार रुपए का ध्यान से देखो आप ये कह सकते थे कि पंद्रह हजार रुपए का आठ पॉइंट एक छह निकाल देते हैं और भाई अगर पंद्रह हजार रुपए का आठ पॉइंट एक सौ निकाल दे तो कैंसिल हो जाता इधर अगर पंद्रह से मैं गुणा करूंगा तो ये जीरो का तो जीरो ही रहेगा इसको तो भगवान ही नहीं रोकेगा पंद्रह छह नब्बे हो जाएगा दो पॉइंट का दो पॉइंट लग जाएगा बच जाएगा नौ पंद्रह पंद्रह नौ चौबीस इकाई अंक चार वाले तीन पड़े हैं कमी ने पंद्रह इंटेसो बीस और दो तो एक आप कहेंगे बारह सौ आपका आंसर होगा और बारह सौ जो है वो एक नंबर होगा सर सर आपका ऐप आ गया आप लोग कहेंगे गुरुजी रोज रोज गोली देते हैं इसलिए मैं दो तीन दिन चुप ही रहूंगा कुछ बोलूंगा नहीं इस मुद्दे पे ठीक है नहीं तो आप लोगों को बुरा लगेगा कि सर गोली दे रहे हैं आप लोग पहला तरीका तो ये था सर दूसरा तरीका जो है वो एक तरीका यह है भाई कि चार परसेंट का फ्रैक्शन बना लो लड़की हो चार परसेंट का फ्रैक्शन बनाओगी तुम तो हाँ कई कई ऐसे लड़कियां बेचारी सोच रही है अभी जो जो लड़कियां पढ़ रही है ना वो सोच रही हैं गुरु जी वो चार परसेंट बताओ ना रामरियो कहीं कर जाओ तो चार परसेंट जो होगा वो एक बटा कितना होगा भाई पच्चीस तो इसका मतलब पच्चीस रुपए का छब्बीस रुपया बन रहा है इसका अब ऐसा दो बार हो जाएगा दो बार हो जाएगा तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं दो बार होगा ना चार चार परसेंट की दर से तो स्क्वायर करके भी तुम कर सकते हो ये भी तुम कर सकते हो दोनों ही आप लोगों के पास अप्रोच है अगला सवाल देखिए एस एस सी सीजीएल का देखता हूं सूर्या भाई कितना जल्दी उत्तर दे देते हो आप लोग आज की क्लास सच में दिमाग दुखाने वाली है दिमाग पर ज्यादा लोड देने वाली क्लास है ये क्लास आसान क्लास नहीं है इसको झेल अगर पा रहे हैं आप लोग तो यकीनन मानिए आप लोगों में वो पावर है जो आज के जमाने में सरकारी नौकरी लगने का हर किसी में पावर नहीं होता है पढ़ने को हर कोई पढ़ता है हर कोई ये सोचता है मेरा पड़ोसी

आज के क्लास नहीं झेल पाएंगे अगर आज की क्लास आप झेल पा रहे हैं ना सिर दुखा देने वाली क्लास इसका मतलब आप लोगों में वो स्टेमिना है जो आज के वक्त में नौकरी लगने के लिए चाहिए होता है और अगर आप लोगों में वो स्टेमिना है तो फिर उसको सही से इस्तेमाल कर लो भाई लगी ही जाओगे कोई बुरी बात नहीं है थोड़े दिन में जो भी होता है जो भी होगा अच्छा होगा अच्छा कुछ नहीं होगा तो नहीं पड़ेगा तो बुरा ही बुरा होगा इसलिए सो मत जाना ये सोच के कई कई बच्चे एक चीज कहते हैं उत्तर तुम देते जाओ कई कई ये कहते हैं कि किस्मत में लिखा हो तो लग जाएगा ऐसे गांव में लिखा होता है जिसके किस्मत में लिखा हो होगा नौकरी लग जाएगा भाई मान ले तेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि तू नौकरी लगेगा अरे भाई जब ऑफर लिखा होता है तो उसके नीचे टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है जो भगवान ये लिख सकता है कि तेरी किस्मत में लिखा हुआ है तू नौकरी लगेगा मैं मान लेता हूं उसने लिख दिया कि तेरी सरकारी नौकरी पक्की है लेकिन नीचे लिख दिया नियम व शर्तें लागू और उसने पता है क्या लिख दिया पढ़ेगा तभी नौकरी लगेगा अब कर बेटा क्या करता है नौकरी तो तू लगेगा लेकिन नियम शर्तें भगवान ने लिख दी नीचे उसी में कि पढ़ेगा तो ही लगेगा अब इसका मतलब तू नौकरी तो लग जाएगा लेकिन भगवान ने ही कह दिया कि तू पढ़ेगा तो लगेगा इसलिए पढ़ ले हाँ, अजी सुनो सही बात है ठीक बात है देखिए तीस हजार रुपए की एक राशि पर पंद्रह परसेंट प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है किसी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया सही बात है सही बात कह रहे हैं हमारे अंदर दम है आपकी क्लास को झेल सकते हैं क्या बात है सर सर यहां देखिए थोड़ी सी चीजें समझाता हूं हर किसी के बस की बात नहीं है हर कोई नहीं बना पाता है समझने की कोशिश कीजिए बहुत अच्छा सवाल है बताते हैं हम सर हमारे पास टोटल टाइम देखो टाइम कितना है अच्छा गणना तो को नहीं है गणना तो वार्षिक रूप से है कोई टेंशन नहीं लेना आपको तब तक लोड नहीं लेना है जब तक आपकी गणना वार्षिक दी हो अगर ये कहा हो कि गणना वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है सर सिंपल इंटरेस्ट से अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया हाँ क्या बात है देखिए तो सर इसको पहले झेलो तो दो वर्ष दो से दो बटा तीन वर्ष इसका मतलब है पूरा एक वर्ष फिर पूरा एक वर्ष और फिर दो बटा तीन वर्ष ऐसे तीन टुकड़ों में ब्याज लगेगा क्योंकि आप लोगों के हर वार्षिक रूप से ब्याज लगता है मतलब हर साल वो ब्याज लेने आपसे आएगा और टोटल आप लोगों को पैसे उधार दिए उसने दो से ही दो बटा तीन वर्ष के लिए एक साल के लिए जो भाई दर लगती है वो पंद्रह परसेंट है एक साल की दर पंद्रह परसेंट है इसका मतलब वो एक साल पूरा आपको पैसे छोड़ेगा तो उस पहले साल का वो पंद्रह परसेंट लेगा दो पूरे वर्ष है तो जो अगला एक वर्ष होगा इसका भी भाई वो पंद्रह परसेंट पूरा का पूरा पैसे लेने वाला है और सर जो तीसरा वर्ष है आप लोगों का उस तीसरे वर्ष का पूरा पैसा नहीं लेगा अगर ये पूरा एक साल होता तो पंद्रह परसेंट ले लेता लेकिन एक साल नहीं है पहली बार में पंद्रह परसेंट उसने ले लिया दूसरी बार में उसने पंद्रह परसेंट ले लिया तीसरी बार में इस पंद्रह परसेंट का दो बटा तीन वो लेगा आपसे कितना लेगा दो बटा तीन लेगा सर अगर दो बटा तीन लेगा तो तीन से काटेंगे कितनी बार कटेगा पांच बार कितना परसेंट लेगा दस परसेंट लेगा सर कितना परसेंट लेगा भाई दस परसेंट लेगा तो दो से ही दो बटा तीन वर्ष का एक वर्ष एक वर्ष और दो बटा तीन वर्ष पहले साल का पंद्रह परसेंट दूसरे साल का पंद्रह परसेंट और तीसरा पूरा साल नहीं है दो बटा तीन है तो पंद्रह परसेंट का दो बटा तीन दस परसेंट बस अब आपके पास हजार तरीके हैं सर इस सवाल को लगाने के तुम जो भी तरीका लगाओगे अच्छा ही लगाओगे उसी तरीके से तुम उत्तर निकाल लोगे उत्तर बी आप दे रहे हैं लगभग लगभग उत्तर लोगों का बी उत्तर आ रहा है लेकिन अभी तक सब लोगों का उत्तर नहीं आ रहा है इतने सारे लोग देख रहे हैं अभी तक कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए था सर यहाँ से हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं तुम चाहो तो मेरे भाई ये लिख सकते हो तीस हजार गुणा पहले में 115 है तो आप बोलेंगे 115 सौ पंद्रह बटा सो फिर में 115 है तो आप बोलेंगे भाई 115 सौ पंद्रह बटा सो और फिर में 110 है तो आप बोलेंगे 110 सौ दस बटा सो एक तरीका अगर आप ऐसा करना चाहो कर लो एक दूसरा तरीका आप लोगों के पास और है अगर आप लोग करना चाहें तो यहां से आप दो जीरो से दो जीरो दो जीरो उड़ा देंगे यहां से सर आप एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे तो 115 को 115 से गुणा करके 33 से गुणा करके एक पॉइंट लगा के आपस में घटाओगे लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग ऐसा ना करें मुझे कोई बताएगा 15 परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है तो आप बोलेंगे सर 15 परसेंट का फ्रैक्शन तीन बटा बीस होता है कितना होता है मेरे भाई तीन बटा बीस और फिर इसका मतलब इधर प्रिंसिपल लिखेंगे इधर अमाउंट लिखेंगे पहले साल पंद्रह परसेंट की दर है इसका मतलब बीस रुपए पर तीन रुपये ब्याज लगेगा तेवीस रुपये लगेगा दूसरे साल भी पंद्रह परसेंट है इसका मतलब आप कहेंगे बीस रुपए का तेईस रुपया लगेगा तीसरे साल सर दस परसेंट और आप सब जानते हैं कि दस परसेंट सकल से सब समझदार हो एक बटा दस इसका मतलब आप कहिए दस रुपए का कितना रुपया लगेगा ग्यारह रुपया लगेगा इधर सर दो सौ रुपए बने दो हजार रुपए माफ कीजिए बने इधर गुणा कर लीजिए पांच और पांच को अगर ग्यारह से मैं गुणा करूंगा तो ग्यारह से गुणा करूंगा नौ दो ग्यारह पांच दो सात और एक आठ यही बनता है क्या हाँ तेवीस का स्क्वायर पाँच सौ उनतीस पाँच सौ उनतीस को ग्यारह से गुना करूँगा। ये सही था क्या बीस का कितना बना है तेवीस पंद्रह परसेंट है और फिर बीस का तेवीस और दस का ग्यारह तो आप लोग कहेंगे सर हम्म नौ और दो ग्यारह पाँच और दो सात और एक आठ पाँच सौ अट्ठावन तो आप कहेंगे अट्ठावन सौ कितना बना है सर उन्नीस इतना ज्यादा कैसे जा रहा है समझ से आ है सर एक बार इसे रीच चेक कर लीजिए, ज्यादा कैसे जा रहा? रहा चार जो दे रखी है वो इसकी दे रखी है चार हजार की तो आप बोलेंगे तीस हजार बटा चार हजार तो ये तीस हजार बटा चार हजार ये किसकी वैल्यू है भाई एक की ठीक है और गुणा कितना कर दीजिए अठारह सो उन्नीस बस काटा पीटी मचाओ उत्तर आपको निकालना पड़ेगा आज नहीं तो परीक्षा में तुमको करना ही पड़ेगा सर वैसे करो तो भी उतना ही टाइम लगना है ऐसे लगो तो भी सर उतना ही टाइम लगना है आज कुछ ज्यादा ही मातो लगाना पड़े है। ठीक है सर यहाँ से अगर तुम काटोगे तो दो से काटोगे तो पंद्रह बार कटेगा या तो ऐसे कर लो या फिर चार का भाग दे लेना मैं डायरेक्ट कर लेता हूं सर अगर डायरेक्ट करूंगा जीरो नौतिया कितना हो जाएगा भाई सत्ताईस बच गया दो तीन एकम तीन और दो कितना हो जाएगा पांच आठती कितना हो जाएगा चौबीस बच गया कितना दो तीन एकम तीन और दो पांच इसमें भाग दे दो सर कितने का चार का आप कहेंगे सर तेरह चौके बावन तेरह से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है उत्तर दो हो गया सर उत्तर कितना बन जाएगा दो पूरा नहीं हल करना है मेरे भाई पूरा हल करोगे इतना टाइम किसके पास है तेरह से शुरू होने वाला ऑप्शन ही एक ही है बस भाग जाओ हम्म इतना ही करना है लेकिन यह वाला पैटर्न आप लोगों के दिमाग में चलना चाहिए मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं जब मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है मैं ये कभी काम में नहीं करता मैं डायरेक्ट पता है क्या करता हूं मैं डायरेक्ट ये सोचता हूं समझो मेरी बात को मैं ये सोचता हूं दो वर्ष तो पूरे हैं तो मेरा दिमाग यह कहता है कि पंद्रह पंद्रह तो पूरा लगेगा और पंद्रह को दो बटा तीन से गुणा करूंगा तीन पंजे पंद्रह पांच दूनी दस मैं पक्का यह कहता हूं कि यह तीन परसेंट मुझे बनाने हैं बस और इन तीन परसेंट का फ्रैक्शन मुझे याद होता है फ्रैक्शन याद होता है तो मैं डायरेक्ट इतना सा काम ही करता हूं बस इतना सा काम करके कर देता हूं ये उन गरीबों के लिए है जो दिमाग से कुछ ज्यादा ही पैदल हैं हैं ज्योति जी आप लेट आए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल बता नेक्स सवाल बताइए कितना होगा ठीक है आपको आप आप हाँ नवासी सौ पचास रुपए की राशि पर दो साल के लिए नौ परसेंट प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से चक्रवर्ती होगा अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है क्या कह रहा है सर नो परसेंट की दर से ब्याज बता रहा है आपको भी मुझे बताएंगे नो परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है तो आप बोलेंगे सर नो वटा सो इसका मतलब ज्योति पी और ए प्रिंसिपल और अमाउंट आप कहेंगे यहां हो जाएगा सो और यहां हो जाएगा एक सौ नौ हां यही होगा स्क्वायर कर दीजिए आप कहेंगे स्क्वायर जो होगा वो दस हजार बनेगा और नो का स्क्वायर नो का स्क्वायर इक्यासी इक होगा और 118 तो आप बोलेंगे 118 सौ अठारह इक्यासी हमें कहता है ब्याज वार्षिक रूप से हो तो ब्याज कितना होगा तो कोई मुझे बताएगा ब्याज कितना होगा तो आप बोलेंगे सर अठारह सो इक्यासी रुपए कितना होगा अठारह सो इक्यासी रुपए सीआई मिला है कितना रुपया था भाई नो नवासी सो पचास रुपए बोलो कितना मुश्किल सवाल है बहुत दिमाग खराब करने वाला सवाल है सर सर ये नवासी सो पचास रुपए जो है ना वो मिश्रधन है और नवासी सौ पचास रूपये अगर मिस्र धन है इसका मतलब नवासी सौ पचास रूपये तो और गुणा आप लोग कहेंगे कि अठारह सो कितना हो जाएगा इक्यासी ये होगा कि नहीं होगा काटा पीटी बचाओ उत्तर निकालो यहां आप लोगों को लगभग शायद आसन मूल्य मिलने वाला है सभी को नमस्कार तीस मिनट लेट थे लेट थी फिर उससे कवर करने में टाइम लग गया कोई बात नहीं चलेगा तो सर जीरो से जीरो काट दीजिए यहां भी लगभग आपको वैल्यूज बतानी है लगभग वैल्यू दी है अंकित कह रहा है उपसारियाओ नजदीक नजदीक ऑप्शन देखे लेकिन करना पड़ेगा कोई इलाज नहीं है सर न... ठ सौ पिचानवे को अठारह इक्यासी से मल्टीपल करके तीन जीरो नजदीक नजदीक दिया है तो नजदीक है।, है दो ऑप्शन इसलिए रिस्क लेने का नहीं आप लोगों को बताना पड़ेगा आलोक कुमार जी आप गलत उत्तर दे रहे हैं मेरे दोस्त सौ तुम गलत उत्तर दे रहे हो देखो नवासी सौ को अठारह से गुणा करना है मैं इधर कर देता हूं आठ है ना इसको मल्टीपल करना है 1881 से है। पता है मैं क्या सोचता हूं मैं हूँ नौ सौ माइनस पांच माइंड में जब मैं मल्टीपल करता हूं तो इसको इक्यासी से गुणा करता हूं मैं पहले इस वाले नंबर को इससे गुणा करता हूं तो दो जीरो का तो दो जीरो नौ से मल्टीपल करूंगा नौ एकम नौ बच गया सात नौ एकम नौ फिर नौ अंटे बहत्तर बच गया सात नौ अंटे बहत्तर और सात उन्यासी बच गया सात नौ एकम नौ और सात कितना हो गया सोलह माइनस फिर मैं इस वाले नंबर को पांच से गुणा करूंगा तो पांच से कम पांच आठ पंजे कितना होगा भाई चालीस बच गया चार आठ पंजे चालीस और चार चौवालीस बच गया चार पांच से कम पांच और चार कितना हो जाएगा नो no. ये माइनस करना है दस में से पांच गया तो पांच बचेगा यहां बचेगा मेरे भाई नो no. यहां बच जाएगा आपके पास आठ में से चार गया तो चार बचेगा यहाँ बच जाएगा बारह में से नौ गया तो कितना बचेगा तीन बचेगा यहाँ आठ बचेगा यहाँ छ तो सोलह सो ते चार सौ पिचानवे तो आप कहेंगे पीछे आ जाइए सोलह सो तेयासी चार सौ पिचानवे सोलह सो तेयासी चार सौ पिचानवे तीन जीरो के बदले तीन पॉइंट लगा दीजिए अगर तीन पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ उत्तर आएगा और उत्तर बताइए कितना आ जाएगा बी इज राइट आंसर तुमको बहुत दिन हो गए तरीका लगाते हुए तुमको बहुत दिन हो गए प्रश्नों को बनाते हुए तुम लगोगे नौकरी बिना पढ़े हुए हुँ? तुम्हारे जैसे नहीं आते हैं क्या टीसीएस के पास उसको टीसीएस कहते हैं तुमको लगता है तुम ही ही हो हो वहां कुछ कुछ खुदाजी हो वो तुमको ही सब कुछ आता है भाई देखिए मैं चाहता तो ये कर सकता था कई कई लोग सोच रहे हैं कि सर आप लोग जो है इतने मुश्किल सवाल दे रहे हैं मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के भाई मैं चाहता तो यहाँ नब्बे हजार ले सकता था नौ हजार ले सकता था मैं चाहता तो कटने वाला नंबर ले सकता था सोचो अगर मैं नौ हजार लेता तो तुमको कुछ करना ही नहीं था नौ से गुणा कर पॉइंट लगाना था कर लेते तुम लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है अंकित गुजर ये दिमाग मत लगा कुछ पेन फ्री नहीं है भाई ठीक है ये पेन फ्री के चक्कर में इन दोनों ऑप्शनों को देख लेते तू एक बार ये दोनों ऑप्शनों को देख ले सारा निकल जाएगा। ठीक है? हाँ। करता हूं आप मेरी बात समझ गए क्लियर होगा सबका गुणा करने का एक अप्रोच जो है इधर कहाँ गया ये वाला थोड़ा सा सोचिए ऐसे तुम गुणा कर लिया करो अगला सवाल देखिए कितना होगा ये थोड़ा सा आसान सवाल है एस एस सी सी एस एस एल दो हजार इक्कीस का सवाल है बहुत मुश्किल नहीं है आराम से बताइए कितना होगा बोलो मतलब आज की क्लास को तुम झेल पा रहे हो ना मैं क्या बताऊं भाई आप लोगों को मेरे को लग रहा है बहुत मजा आप दे रहे हैं एक निश्चित राशि पर तीन वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज दस परसेंट प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित तेरह सौ चौबीस रुपए है कहता है कि राशि बताइए राशि क्या होगी सर याद रखिए एक निश्चित राशि पर तीन वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित तेरह सो चौबीस है ये चक्रवर्ती ब्याज तेबीस सो चौबीस तेरह सो चौबीस रुपए है आपको कहता है दस परसेंट की दर से तीन वर्ष का कोई इंसान मुझे बताएगा जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान मुर्दा या जिंदा मुझे बताइए दस परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है तो आप बोलेंगे एक बटा दस अगर कोई मर भी गया है तो वो भी बता देगा कि पक्का एक बटा दस ही होगा अगर मेरे से पढ़ा हुआ है तो मैं कहता हूं मुर्दे भी शमशान से उठ के एक बार तो बोल उठेंगे दस परसेंट का एक बटा दस आप कहेंगे दस रुपए का कितना रुपया होगा ग्यारह रुपये ठीक है आप तीन वर्ष का दे रखा है भाई तीन का क्यूब कर दीजिए यहां आप बोलेंगे इधर हो जाएगा कितना हजार और इधर हो जाएगा तेरह अगर मैं कहूं कि बताइए ब्याज कितना है तो आप बोलेंगे सर तीन सौ इकतीस हैं है भाइयों बहनों सुनना ये कितना है तेरह रुपए चौबीस देखो देखे चार गुना है क्या आप कहेंगे हाँ तीन सौ का बारह सो का एक सौ चौबीस तेरह चौबीस चार गुना है कहता राशि बताइए ठोक दो चार से गुणा कर दो चार से गुणा करोगे चार हजार कौन कहता है बावला आदमी जो कहता है चार हजार नहीं आएगा मैं कहता हूं उत्तर चार हजार ही आएगा क्लियर है सबका बोलो हाँ या ना उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी सर सर अभी तक आपने दस नियम नहीं बताए आपके उन्तीस दिन हो गए क्लास लेते हुए क्या बात है दस नियम तो तड़पा तड़पा के बताऊंगा ऐसे नहीं बताऊंगा ठीक है दस नियम बता के मैं उनकी बेजती नहीं करना चाहता मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि वो बच्चे हैं तो सही कम से कम जो दस नियमों को झेल सके देखिए सर आगे देखो 2021 का सवाल है समझिए कहता है हाँ तुम बनाओ, बनाओ बनाओ मैं कुछ और देख रहा हूं भाई अट्ठाईस और पांच कंसेप्ट सहित हम अट्ठाईस स्लाइडों पर काम कर चुके हैं पिछले डेढ़ घंटे में उनमें से पांच स्लाइडों में कुछ नहीं था इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि हमारी क्लास डेढ़ घंटे मत मानो ठीक है शुरू के पांच मिनट निकाल दीजिए हाँ डेढ़ घंटे में हमने तेवीस सवालों पे काम कराया सर, 23 सवालों पे मतलब कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं चुपचाप हैं, ठीक है गुरु जी ऑनलाइन कोर्स चाहिए सर भोजराज जी ऑनलाइन कोर्स चाहिए आप कॉल कीजिए हमारे से संपर्क कीजिए ठीक है कॉल करके संपर्क कर सकते हैं हमें ठीक है क्लियर चलो उत्तर नहीं बताया लेकिन तुमने अभी तक उत्तर कैसे बताओगे देखो दो वर्ष तो पूरे हैं भाई सीधे सीधे अगर दो वर्ष पूरे हैं तो पहले वर्ष के लिए पंद्रह परसेंट दूसरे वर्ष के लिए पंद्रह वर्ष के लिए तीसरे वर्ष के लिए अगर मैं कहूंगा तो तीसरे वर्ष के लिए होगा पंद्रह का दो बटा पांच पूरा नहीं है तीसरा साल तो पहला साल पूरा है उधर देखो दो साल पूरे हैं तो पंद्रह पहले का पंद्रह दूसरे का फिर इधर पांच से काटूंगा तो पांच से काटूंगा तो कितना हो जाएगा सर छह तीसरे साल का इसका मतलब इन दो सालों का जो होगा वो तो पंद्रह पंद्रह परसेंट होगा और जो तीसरा दो बटा पांच है इस दो बटा पांच का मेरे दोस्त जो टाइप परसेंटेज बनेगा वो छह परसेंट ही होगा बस अब हल कर दो आंसर आ जाएगा हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा है चक्र सीआई पूछा है कि सीआई क्या होगा इतना बुरा कमेंट मत लिखो तुम इतना लंबा लंबा कमेंट में लिख के इसको भर मत दिया करो मुझे समझ में आने दिया करो कि तुम्हारा उत्तर क्या आ रहा है ठीक है ये बातें हम बाद में देखेंगे पंद्रह का फ्रैक्शन आप सब जानते हैं सर पंद्रह का फ्रैक्शन होता है तीन बटा और आप जानते हैं सर छह परसेंट का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है दो बटा पचास अगर भाई तीन बटा पचास माफ कीजिए अगर भाई तुम्हारी हिम्मत है ये करने की तो कर लो और अगर भाई ये करने की हिम्मत नहीं है तो फिर तो सो जाओ कोई जरूरत ही नहीं है गुरु जी जगह पता नहीं क्या बोल रहे हैं उत्तर देना शुरू कर दिए देखो सर ये दोनों चीज आपने समझ गए क्या उधर पीछे सवाल में बता चुका हूं आप कहेंगे सर बीस का कितना हो जाएगा 23 और भाई बीस का कितना हो जाएगा 23 और भाई पचास का कितना बन जाएगा तो आप बोलेंगे सर पचास का बन जाएगा तिरपन

काटा पीटी करते तुमको इनको गुणा करना पड़ेगा अब कर लो उस तरीके से कर लो किसी भी तरीके में चले जाओ करना पड़ेगा सर अगर मैं गुणा करूंगा तो जीरो नौ पंजे हो गया पैंतालीस बच गया चार पांच दूनी दस और चार चौदह बच गया एक पांच पांच पच्चीस और एक छब्बीस अगर तीन से गुणा करूंगा तो नौ सत्ताईस बच गया दो तीन दूनी छह और दो आठ पांच तीन कितना हो गया भाई पंद्रह आप कहेंगे सात आठ और पांच कितना हो गया तेरह पांच और चार नौ और एक दस छः सात और एक आठ अट्ठाईस कितना हो जाएगा सर आप कहेंगे अट्ठाईस जीरो सैंतीस बस मल्टीपल कर दिया उत्तर निकाल दीजिए सर आप बताइए कितना सीआई मिला तो आप बोलेंगे अस्सी हज़ार सैंतीस सर अस्सी हजार सैंतीस का आप देख लीजिए आठ दो सोलह अगर बन रहा है तो ठीक है नहीं बन रहा है तो नीतू बागरी जी आप बहुत लेट हाई कर रहे हैं बताइए इतना टाइम पे सोते वक्त कौन हाई करता है आप कहेंगे सर इधर बीस हजार और इधर हो जाएगा बीस हजार आठ सौ अट्ठाईस हजार सैंतीस अगला कहता है छियालीस हजार रुपये इधर बन रहा है इसका मतलब इस छियालीस हजार रुपए का जो वैल्यू हमें दिया है ना भाई वो छियालीस हजार रुपये वेल्यू दिया है इस बीस हजार का तो बीस हजार और गुणा आप कह दीजिए आठ हजार सैंतीस काटा पीटी मचाओ आंसर आप लोगों को मिल जाएगा सर तीन जीरो से तीन जीरो उड़ा दो ठीक है दो से काटूंगा कार पर तेईस और यहाँ कितना आ जाएगा दस पॉइंटों में आएगा लेकिन लगभग उत्तर दिया है कि लगभग जो है वो आप लोगों को बताना है लगभग कितना होगा तो तेईस को सात से गुणा कर लीजिए तेईस अंत एक सौ इकसठ एक पॉइंट लग जाएगा तेईस अंत एक सौ इकसठ का मतलब सोलह रिमाइंडर बचेगा इधर तेईस तीन कितना हो गया गुणहत्तर उनहत्तर एक सत्तर पिचासी बच गया कितना आठ इधर हो जाएगा कितना भाई आठ ठीक है और तेई अंटे कितना हो जाएगा एक यही बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ एक सौ के लगभग कोई उत्तर है क्या ये लो उत्तर दो नंबर मतलब टीसीएस आप लोगों को बहुत मुश्किल सवाल देने वाली है आसान सवाल आपको कैलकुलेटिव नहीं देंगे मेरा काम आप लोगों को उस पैटर्न तक पहुंचाना है जिस पैटर्न तक आपको पहुंचाया जाना चाहिए नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं मैं ऐसे ऐसे सवाल ले सकता था सवाल बनाने वाला मैं होता हूं छांटने वाला मैं होता हूं तो मैं आराम आराम से सोच सकता था कोई बड़ी बात नहीं थी सिंपल तरीके से भी सवाल तुम्हारे सामने रख सकता था लेकिन तुम्हारी नौकरी उससे नहीं लग जाएगी मेरे दोस्त अगला सवाल तुम खुद से बनाओगे मैं जानना चाहता हूं कितने लोग इसका जवाब दे देते हैं इस तरह के सवालों को कितने लोग समझ जाते हैं बताइए सर आज की क्लास के सिर्फ 20 मिनट और बचे हैं और मुझे लगता है कि 20 मिनट में हम सारा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन जितना पढ़ लेते हैं उतना तो मैं पढ़ा देता हूं दो से ही दो वटा पांच वर्षों के लिए बीस हजार रुपए पर 15 परसेंट की दर से चक्रवर्ती ब्याज बताइए संयोजन जो है वो वार्षिक है कोई मुझे बताएगा सर बीस हजार रुपए पंद्रह परसेंट की दर से दो सही दो बटा पांच वर्ष तो दो सही दो बटा सेम का सेम पीछे वाला है सारा का सारा पीछे वाला है कुछ भी चेंज नहीं है पंद्रह का पंद्रह है यहां देखो सेम का सेम है बस अगर फर्क है तो फर्क है सर छियालीस हजार की जगह बीस हजार है अरे भाई छियालीस हजार की जगह बीस हजार तो बीस हजार का बीस हजार तो आठ हजार आपका उत्तर होगा आठ हजार आठ हजार इधर दिया ही नहीं है बताइए ठीक है ए, सेम था क्या दो से ही दो बटा पाँच ही था ना हाँ दो से ही दो बटा पाँच ही है और यहाँ आठ हजार सैतीस ही बना है अगले ने दिया ही नहीं है 8037 नहीं दिया है यहाँ इसको देख लीजिए ठीक है आठ सारा सारा वाला है मैं इसको हल नहीं करवाने जा रहा हूँ होमवर्क लिख रहा हूँ पीछे वाला सारा का सारा सवाल ऐसा का ऐसा है सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज है आराम से देख लीजिए बैठ कर तीन दिन लगाने की जरूरत नहीं है इसमें ठीक है अगला देखिए यह सवाल अब होमवर्क के लिए होगा क्योंकि हमें उन सवालों पर जाना है जिन सवालों पर हमें चर्चा करनी चाहिए सारा का सारा सवाल सेम पीछे वाले के तरीके से है दिस क्लास इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट कैलकुलेसन इज डिफिकल्टस यस कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है सर ठीक है कैलकुलेटिव कोर्स है इसमें कोई शक नहीं है अगर मान लीजिए फिर भी मैं इस सवाल को तो फिर और सोच रहा हूँ कि मैं बता देता हूँ एक सवाल तो मैं बता देता हूँ मास्टरानी भिटिया जी हमें लग रहा था आप चले गए थे आप लोग आई गए हैं आखिर है ना राकेश पिछाणों बिछाणो हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसे कर लीजिए पीछे वाला सवाल का बता रहा है क्या पिछाणों बिचाणों में भाई कैलकुलेशन कर लेना कैलकुलेशन को देख लेना बारह हजार की राशि आठ परसेंट प्रति वर्ष की दर पर दो से ही दो बटा पांच वर्ष दो से ही दो बटा पांच वर्ष का मतलब है एक वर्ष पूरा एक वर्ष पूरा, पूरा और दो बटा पांच वर्ष पूरा यही है सर इसके लिए आठ परसेंट होगा तो आठ परसेंट इसके लिए रहेगा इसके लिए भी भाई आठ परसेंट पूरा का पूरा रहेगा तो इसका भी आठ परसेंट हो गया। इसके लिए जो होगा वो आठ गुणा दो बटा पांच होगा और आठ गुणा दो बटा पांच का मतलब आप कह दीजिए सोलह बटा कितना होगा पांच होगा ये सोलह बटा पांच होगा मामला गड़बड़ तो यही होगा सर आगे अच्छा कोई बात नहीं सर खुद से बनाइए मैंने हो, होमवर्क दिया है वो 8%, 8 आठ परसेंट आठ परसेंट फ्रैक्शन होता है सर दो बटा तो आप बोलेंगे दो बटा इसका अगर मैं फ्रैक्शन बोलूंगा तो आप बोलेंगे दो बटा पच्चीस का भाग दे दो और भाई इसका अगर फ्रैक्शन बनाना चाहोगे किसी बच्चे से अगर नहीं बनता है तो इसमें किसका भाग दे दीजिए सौ का भाग दे दीजिए सौ का भाग देंगे चार सौ कितना हो जाएगा सोलह और पच्चीसों का कितना हो जाएगा सौ हो यही होता है कि नहीं होता है आराम से देख लीजिए लेकिन सवाल को देख लीजिए कि बारह हजार रुपए की राशि पर आठ परसेंट प्रतिवर्ष की दर से हमें सवाल जो दिया है वो क्या है उत्तर दे रहे हैं अठारह हजार चार सौ पिचासी पता नहीं कौन से का उत्तर दे रहे हैं भाई हमारे उत्तर यहाँ ये यह आ रहा है ठीक है हम्म तो आप लिखेंगे चार बटा कितना हो जाएगा एक ये लो सर कहता है चक्रवर्ती ब्याज हमें पूछा है बारह हजार रुपए की राशि पे काटा पीटी आपको करना पड़ेगा सर इसके कई सारे तरीके हैं आप कहो कि पच्चीस रुपए का सत्ताईस रुपया फिर पच्चीस रुपए का कितना हो जाएगा सत्ताईस रुपया और फिर हो जाएगा सर एक रुपए का कितना एक रुपया आपको नहीं लग रहा है बहुत बड़ी महाभारत है ये अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है तब आप लोगों को एक बात बताता हूं ये सारा का सारा सीख लिया आप लोगों ने ठीक है

अब आ वापस अपने मुद्दे पे। अब सीख लेना बहुत जरूरी है सर अब नहीं सीखोगे कभी नहीं सीख पाओगे इतने खतरनाक कैलकुलेटिव सवाल अब तक की क्लास का सबसे कैलकुलेटिव सवाल है सर जितने सारे सवाल मैंने करवा दिए उनमें सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है और देखना यही होगा कि ये गणित का मास्टर अब इस सवाल को कैसे बनाता है या बेटा फंस जाता है तुम यही देख रहे हो ठीक है तो आइए सर पावर है ठीक है इंजन बहुत मजबूत है अंदर का दिमागी इंजन बहुत मजबूत है फंसने का नाम नहीं है सर निकल जाएगा आगे पीछे होके कोई टेंशन नहीं है देखो सर हम समझाते हैं आठ परसेंट पहले साल का आठ परसेंट दूसरे साल का और दो बटा पांच वर्ष का आठ गुणा दो बटा पांच सोलह बटा पांच सर आज के बाद ऐसे सवाल अगर कैलकुलेटिव ज्यादा बनते दिखे तो ऐसे बनाना कि राशि बारह हजार रुपए है ये तीन बार हिसाब हो रहा है तो इसके तीन पंख लगा देना सर कितने पंख लगा देना मेरे भाई तीन पंख लगा देना आपने ही बताया ये आइडिया लगा लो आइडिया लगा लो मैंने पता नहीं क्या क्या बता रखा है मैंने ही बताया आइडिया लगा लो ठीक है हाँ जी तो सर इसका आठ परसेंट पहले साल ये अगर कोई बंदा सीख जाता है तो बहुत आसान चीजें बन जाएंगी इसका एकमात्र इलाज है कि अब इसी तरीके से बनाओ और कोई इलाज नहीं है सर इसमें कैलकुलेशन ही टफ है बस है ही कैलकुलेशन टफ और कुछ नहीं है सर देखो बारह हजार रुपए की राशि में अगर तीन बार हिसाब करना है तो तीन पंख लगा दो सब लोग समझना प्लीज सुनिए पहले बार इस बारह निकालूंगा तो मुझे पता है लड़कियों की दिक्कत पता है क्या होती है लड़कियों की दिक्कत यह होती है कि वो ऐसे उत्तर निकालती है फिर कहती है बारह अंटे छाण और फिर कहते हैं मेरे उत्तरा नौ सो साठ ये पहले साल का ब्याज लग गया नौ सो साठ अब चलिए अगले साल के ब्याज के पास प्लीज समझिए दूसरी बार जाएंगे तो दूसरी दूसरे पंख पंख के पास जाओ दूसरा पंक है ये वाला याद रखना अब अगर किसी को नहीं समझ आता है तो वो मैं समझाता हूं जितनी बार हिसाब होता है उतने पंख लगा दो पहले पंख पर आठ परसेंट की दर से ब्याज वसूलिया अब दूसरा पंख भी आठ परसेंट का है तो दूसरे पंख में जो जो ब्याज लिखा जाएगा ना वो ब्याज जितना पैसा तुमको दिख रहा है उस सबका आठ परसेंट लिखा जाएगा मतलब इसका आठ लिखा जाएगा और इसका आठ होगा नौ और सर इसका भी आठ परसेंट लिखा जाएगा और इसका जो आठ परसेंट होगा ना वो भी यहां आपको लिखना पड़ेगा तो सर प्लीज जानने की कोशिश कीजिए क्या कहता है इस इस का इसका इस पंख में इसका भी आठ परसेंट लिखोगे सर इसका आठ परसेंट लिखोगे तो आप कहोगे सर नौ साठ का आठ परसेंट आप निकाल के बताओ नौ सौ साठ ये लगभग वेल्यू जाएगी सर फुल वैल्यू नहीं जाएगी तो आप कहेंगे आठवटा जीरो से जीरो आठ से कितना हो जाएगा अड़तालीस बच जाएगा कितना भाई पीछे चार आठ नौ बहत्तर और चार छिहत्तर आप बोलेंगे छिहत्तर पॉइंट आठ मैं एक चीज फिर बोल रहा हूं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जाएगी पॉइंटों में वैल्यू जाएगी लगभग लगभग वैल्यू जाएगी सर ठीक है 960 का 8% परसेंट अगर निकालोगे तो हो जाएगा सर ए, यही बनेगा एक बार कंफर्म कर ले, जीरो का जीरो रहेगा कट जाएगा नौ छठ छ अड़तालीस बच गया चार नौ अंटे बहत्तर और चार छिहत्तर फिर चलो तीसरे पंख के पास तीसरा पंख क्या कहता है तीसरा पंख कहता है कि इसका आठ परसेंट निकालो तीसरा पंख क्या कहता है तीसरा पंख कहता है मेरे वाले हिस्से में जितने रुपए दिख रहे हैं सबका आठ परसेंट लेना पड़ेगा मतलब इसका भी आठ परसेंट इसका भी आठ परसेंट इसका भी आठ परसेंट सबका आठ परसेंट लिखना पड़ेगा तो आठ परसेंट कुछ का तो लिखा हुआ है नौ सौ साठ आठ परसेंट इसका डायरेक्ट आ गया इसका आठ परसेंट छिहत्तर पॉइंट आठ आठ परसेंट छिहत्तर पॉइंट आठ और भाई अब छिहत्तर पॉइंट आठ का भी आठ परसेंट तुमको क्या लगता है तुम्हारा पीछा ऐसे छूट जाएगा नहीं इसका आठ परसेंट नहीं है सोलह बटा पांच, पांच है तो इसका सोलह बटा पांच निकालना है अगर सोलह बटा पांच निकालोगे तो आप कहेंगे सर बारह हजार क्या कह रहा है उनतीस जीरो आ रहा है ऑप्शन गलत है कोई बात नहीं अभी निकाल लेते हैं सर बारह हजार ऑप्शन गलत है या तुम गलत हो अभी देख लेते हैं सोलह बटा पांच और बटा कितना हो जाएगा सो दो जीरो से दो जीरो चौई पंजे एक सौ बीस यही होगा तो कितना हो जाएगा सोलह चौके चौसठ बच गया कितना भाई पीछे छह सोलह दुणी बत्तीस और छह अड़तीस तीन सौ चौरासी रुपए फिर इस तीन सौ चौरासी रुपये सोलह बटा पांच हो गया इसका सोलह बटा पांच निकालोगे बैठे रहो गुणा करते जाओ आप कहेंगे सर नौ साठ का सोलह बटा पांच निकालो आप कहेंगे गुरु जी ऐसे तुम तो मजाक कर रहे हैं कुछ भी करते जा रहे हैं पांच से काटूंगा ना सर पांच से काटूंगा तो ये हो उन्नीस पांच बीच आरोप बच गया एक पांच दूनी दस अगर सोलह दूनी बत्तीस तो बचेगा दो बच जाएगा पीछे कितना भाई सोलह दूनी बत्तीस सोलह नाम एक सौ चौवालीस तीन एक सौ सैतालीस बच जाएगा कितना चौदह सोलह एकम सोलह और चौदह कितना हो जाएगा चालीस तो चालीस सौ आएगा लेकिन आप कहेंगे दो पॉइंट लगा देंगे दो पॉइंट लगा देंगे तो चालीस पॉइंट कितना आएगा सात दो फिर इसका भी निकालोगे तो इसका भी 40 पॉइंट कितना सात दो सो मत जाना सर तुमको क्या लगता है ऐसा ही सवाल है सर 16 बटा पांच परसेंट आठ में हाँ कोई दिक्कत नहीं सर वही निकाल रहा हूं अब अगला ये कहता है कि इसका और निकालिए सोलह बटा पांच आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे तो सर फिर सोलह बटा इसका आप निकालिए लेकिन इससे पहले एक दिक्कत पता है क्या है उसका नाम टी सी एस है इसलिए उसकी बीमारी यह है कि वो इतने नजदीक ऑप्शन ले जाती है ना कि बच्चा दिमाग खराब कर लेता है वो कहता है कि इससे बढ़िया तो मर जाऊं लेकिन इस सवाल को छोड़ के आऊंगा ये फैक्ट है सर आप इस प्रकार से निकालते हैं बारह हजार का आठ परसेंट निकाला नौ सौ साठ बारह हजार का आठ परसेंट निकाला नौ सौ साठ इसका आठ परसेंट निकाला छिहत्तर पॉइंट आठ ठीक है फिर अगली बार इसका निकाला सोलह बटा पांच तो तीन सौ चौरासी इसका सोलह बटा पांच चालीस बेहतर इसका सोलह बटा पांच चालीस बेहतर लेकिन अगला हमारे से ये चाहता है कि इसका भी सोलह बटा पांच निकालो मतलब अगला ये कहता है कि सात पॉइंट छिहत्तर पॉइंट आठ का सोलह बटा पांच परसेंट निकालो आप लोग ठीक है सोलह बटा पांच परसेंट निकालना है बैठे बैठे गुणा करते जाओ बैठे बैठे गुणा करते जाओ वेरी कैलकुलेटिव नहीं कहते हैं इसको छप्पर फाड़ कैलकुलेटिव कहते हैं ऐसे सवाल करने से बढ़िया होता है कि एग्जाम में तुम छोड़ के ही आ जाओ सर बढ़िया यही होता है बट फिर भी जितना कैलकुलेटिव होगा पहले इसको हम जोड़ लेते हैं छियानवे छियानवे तो ये बन गया उन्नीस सौ बीस उन्नीस सौ बीस में तीन सौ चौरासी भाई साहब ने एक ने ऑप्शन गलत बताया है इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं ऑप्शन गलत होने का मतलब ये है कि यहां संख्या तो चेंज नहीं हो गई है कहीं मैं यहां चूठे फालतू में माथाफोड़ी कर रहा हूँ छपा हुआ यहाँ कुछ और ही था मैं इस चीज को जान लेना चाह रहा हूं ऑप्शन गलत है तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं आप कहेंगे गुरु जी पॉइंट कितना हो गया आठ इधर हो जाएगा भाई चालीस पॉइंट सात दो और चालीस पॉइंट सात दो ठीक है एक बार मैं इतने को जोड़ लेता हूं कितना जा रहा है ये देख लेना है सर मुझे लग नहीं रहा है कि गलत ऑप्शन है सर सही होगा सर थोड़ा ट्रिकी बताओ ना अभी सर एक बार पूरा सुनिए आप इसको आप कहेंगे सर ये हो जाएगा दो दूनी नीचे सात सात चौदह चौदह और आठ कितना हो जाएगा बाईस बच गया दो इधर छह चार दस और दो कितना हो जाएगा बारह बचेगा कितना दो आठ दो दस दस सात सत्रह सत्रह और चार इक्कीस इक्कीस चार पच्चीस और दो सत्ताईस बच गया दो नौ तीन बारह और दो चौदह और दो चौबीसो बहत्तर पॉइंट दो चार आ रहा है और ऑप्शन

सोलह से छियानवे छियानवे और बारह कितना हो जाएगा एक सौ आठ बच गया कितना दस सोलह संत्य कितना हो जाएगा एक सौ बारह और दस एक सौ बाईस यही हुआ है इसमें पांच का भाग दे देंगे पांच का भाग देंगे तो आप कहेंगे चौबीस पंजे एक सौ बीस बच गया कितना भाई दो पांच पांच पच्चीस बच गया तीन सात पंजे पैंतीस बच गया तीन छह यही होगा एक और दो और यहां और पॉइंट लगा देंगे सर ऑप्शन सच में इसके फिक्स नहीं जा रहे हैं इसका एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो फिक्स नहीं जा रहा है सर आराम से आप देखिए सर इसमें अगर आप फिर से मैं भाग दे देता हूं इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं जा रहा है कोई भी और लगभग भी वैल्यू नहीं जा रही है यकीनन उस जगह कोई नंबर चेंज हुआ है सर इस सवाल के कैलकुलेटिव बनने का एक वजह यह हो सकता है कि इस जगह जरूर कोई नंबर मिसप्रिंट हुआ है और इस वजह से हम इतना इसमें फंस के रह गए हैं ठीक है इसमें पाँच का भाग अगर भाग देंगे आप पाँच का भाग देंगे तो मैं फिर से दे लेता हूं एक बार सर आप कहेंगे चौईपंजे एक बच जाएगा कितना भाई पीछे आप कहेंगे दो और पांच पांच पच्चीस पीछे बच जाएगा कितना तीन सात पंजे पैंतीस पीछे बच जाएगा कितना भाई तीन हो जाएगा पंजे तीस एक पॉइंट पहले से है और एक पॉइंट इसकी वजह से लग गया दो सौ पैंतालीस पॉइंट कितना होगा पांच और इसमें दो परसेंट लगाओगे तो और चला जाएगा मतलब एग्जैक्ट नहीं है सर ऐसा कोई ऑप्शन इसके नजदीक नहीं जा रहा है सर नहीं क्वेश्चन इज रॉन्ग गलत क्वेश्चन है सर सर SSGD खातिर मास्टर भी कर रहा है तैयारी मैं तो अजीत मत काम पता नहीं कुछ 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 कुछ, कुछ एग्जाम वाले दो पेज ही देते हैं अरे भाई एग्जाम वाले दो पेज देते हैं लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं यहाँ एक नंबर चेंज हुआ है ठीक है इस जगह सिर्फ नंबर चेंज हुआ है दिक्कत पता है क्या है ना हमारे यहाँ टाइपिस्ट कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को इसका मैं इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दूंगा एक बार समझिए काम ऐसे करते हैं कि एक क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर उसमें जो डेटा चेंज होता है वो डेटा चेंज कर देते हैं यहां जरूर जो है नंबर चेंज हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट उत्तर भी कहीं नहीं जा रहा है इसके नजदीक नहीं जा रहा है मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ और दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए सर हाँ, ये अच्छा सवाल है सर एकदम सही है इसमें कुछ नहीं है ठीक है वो वाले सवाल में आप लोग एक बार देख लीजिए सर ठीक है डेटा गलत है वहां और डेटा गलत होने की वजह से अब अगर मान लीजिए ना एक चीज मैं आपको बताऊं हमें जाना है इस लाइन पे और हमें कोई भेज दिया है इस लाइन पे तो हम टारगेट पे कभी नहीं पहुंचेंगे सर आप क्या करेंगे सड़क तो इधर जा रहा था तुम इधर घूम घाम के इधर घूम घाम के कहीं भी जा रहे हैं आप नहीं पहुंचेंगे तुम कहेंगे अरे बाप रे बहुत लेंथ है इससे बढ़िया तो घर पे ही बैठे रहते डेटा वहां चेंज है बस इतना सा समझिए सब बच्चे कॉमन सेंस वाले हो कोई बुरी बात नहीं है सर समझिए सर जी आज मैं नया हूं क्या बात है अर्चना यादव आपका स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है एक निश्चित राशि पर छह परसेंट प्रति की दर से दो वर्षों में अट्ठाइस जीरो नो डबल जीरो हो जाती है यह राशि कितनी है मुश्किल से बीस सेकंड का सवाल है सर पिछले वाले पर्सन का इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से एक चीज तो तुम्हारे यहां समझ आ गई होगी कि राकेश का उत्तर पच्चीस आ चुका है कितना दो लाख पचास आ चुका है देखो सर कोई मुझे बताएगा छः का फ्रैक्शन क्या होता है आप बोलेंगे गुरुवार छह का फ्रैक्शन जो होता है तीन दुनी छह और पचास दुनी सौ इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट प्लीज ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये पचास और पांच तीन तिरपन दो वर्षों के लिए हो रहा है अगर दो वर्षों के लिए हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर दो इसका भी स्क्वायर कर दो इसका मतलब यहां जो होगा वो पच्चीस सौ होगा और यहां जो होगा वो अट्ठाईस जीरो होगा मेरे दोस्त भाई इस 2809 की वैल्यू पर्सन में देखो कितनी दे रखी है इस 2809 की वैल्यू पर्सन में दे रखी है अट्ठाइस जीरो नो डबल जीरो मतलब ये 100 से मल्टीपल हो रहा है अगर ये 100 से मल्टीपल हो रहा है तो ये भी भाई 100 से मल्टीपल हो जाएगा और ये सौ से मल्टीपल हो जाएगा तो कोई मुझे ये बताएगा उत्तर कितना आएगा आप कहेंगे सी इज राइट आंसर आपका क्लास टाइम कितने बजे से चलता है अर्चना भाई मेरा क्लास टाइम चलता है रात नौ बजे से ग्यारह बजे तक रात नौ से ग्यारह तक अब एक चीज बताऊं सर सवाल तो यह भी बहुत कैलकुलेटिव था लेकिन डेटा यहां सही है और डेटा सही है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं हुई आपने 20 सेकंड में सवाल का जवाब दे दिया मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं सर दो पेज भर दिया ऑप्शन के चक्कर में जबकि ऑप्शन जो थे वो गलत थे सर ऑप्शन क्या गलत थे जो बंदा लगेगा फिर भी उत्तर नहीं आएगा मेरे दोस्त उत्तर बोलो कितने सेकंड का, का।, का है सवाल बन रहा है एस एस के अकॉर्डिंग सवाल है सर रिपीट होने वाला सवाल है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग टीसीएस पायलट प्री ए एल पी सी बी टी वन वालों के और एस एस सी जी डी में रिपीट कर सकती है इसको बताइए मैं पानी पी लेता हूं फटाफट से जवाब दीजिए क्या उत्तर होना चाहिए इस सवाल में भी लॉजिक दिया है सर सी उत्तर दे दिए हैं और कोई है तो बताइए सर अर्धवार्षिक चक्रवर्ती रूप से संयोजित छह परसेंट प्रतिवर्ष की सांकेतिक दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी किसी का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है भाई या ऑप्शन गलत बता रहे हो सुनो एक चीज देखो अर्धवार्षिक अगर ब्याज अर्धवार्षिक है इधर दर छसेंट प्रति वर्ष है अर्धवार्षिक होने का मतलब एक साल में दो बार गणना होगी अगर एक साल में दो बार गणना होगी तो अगर पूरे साल में छह परसेंट की दर लगती है तो अर्धवार्षिक दर कितनी होगी तो आप बोलेंगे सर अर्धवार्षिक जो दर होती है ना वो अर्धवार्षिक दर आप लोगों की बन जाएगी तीन परसेंट अरे हा या ना बटा दो बोले तो तीन परसेंट महीने पर लगेगी और एक साल में दो बार गणना होती है अगर एक साल में दो बार गणना होती है तो आप कहेंगे तीन प्लस तीन प्लस विक्रम भाई आप लोग कह रहे हैं गुरुवर ऑप्शन ही नहीं है तीन तीन कितना हो जाएगा छ पॉइंट छ प्लस तीन या नो जीरो नो आप बोलेंगे सर छइंट जीरो नो परसेंट होगा अगर परसेंट में बोलता तो यह होगा किसी भी संख्या का परसेंट हटाने के लिए आप लोग तो समझदार हैं छह पॉइंट जीरो नो का परसेंट का चिन्ह अगर आप हटाना चाहते हैं तो सो से भाग दे दीजिए सो से भाग देने का मतलब दो और पॉइंट लगा लेंगे दो पॉइंट और लगा लेंगे तो जीरो छह जीरो नो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या आपको आप कहेंगे बी उत्तर दिया है उत्तर जो है वो बी होगा जबकि मुझे पता था तुम क्या उत्तर दे रहे हो ज्योति जी आप उत्तर दे रहे हैं 6.09 पॉइंट जीरो नो जबकि छह नहीं, नहीं होगा उत्तर जो है वो बी होगा यहां अगर परसेंट आगे दिया होता तो 6.09 परसेंट होता और अगर परसेंट हटा दिया है तो परसेंट हटाने के लिए बट्टा शो करते हैं इसलिए उत्तर आपको क्या देना पड़ेगा दो नंबर देना पड़ेगा ऐसे भी सवाल आजकल एस एस और एल पी सी के लाइक सवाल है प्लीज आप इससे इग्नोर मत करना अगला सवाल एस एस सी अब इसमें देखो परसेंट दे दिया उसमें परसेंट नहीं दिया था इसमें भाई परसेंट दे दिया उसमें परसेंट नहीं दिया था यदि दो वर्ष के बाद एक राशि में इक्कीस परसेंट की वृद्धि होती है तो चक्रवर्ती वार्षिक दर रूप से संयोजित होती है कितना होना चाहिए बोलो एक बात बताऊं कॉपी पेस्ट का यही चक्र होता है ना पता है क्या करते हैं एक स्लाइड छापी पूरी फिर कंट्रोल डी अगली में डेटा चेंज किया इतनी जल्दी करने के लिए यही करना पड़ता है यहाँ मिस्र धन कितना होना चाहिए पता नहीं क्या पूछ रहा है सर यहाँ कह रहा है दर कितनी होनी चाहिए दर बतानी है दर कितनी होनी चाहिए हमें बताना है सर दर बता रहा है यदि दो वर्ष के बाद एक राशि में 21 परसेंट की वृद्धि होती है मतलब अगला कह रहा है दो वर्ष के बाद 21 परसेंट वर्दी होने का मतलब अक्स प्लस अक्स गुणा प्लस अक्स गुणा अक्स बटा सो तो, बराबर कितना बन रहा है 21 बन रहा है ऐसा कौन सा वैल्यू फाउंड ये लिखूं यहां कि 21 बन जाए आप सब समझदार हैं इस चीज को रटो सर 110 होगा सबको पता है सर कि 10 प्लस 10 20 और 10 गुणा 10 बटा 100 ऑप्शन नंबर सी इस्तेमाल करो उत्तर निकालो पहले इस्तेमाल करो फिर भरोसा करो 20 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा एक, कितना हो जाएगा भाई 21% कोई मुझे बताएगा 21% ही बन रहा है क्या दस परसेंट दस परसेंट दस परसेंट दस परसेंट शाबाश वेरी गुड उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है हमें यहां उल्टा बोल दिया है टोटल इक्कीस परसेंट की वृद्धि हो रही है ठीक है एक राशि में इक्कीस परसेंट की वृद्धि हो रही है दर हमें बतानी है कि दर कितनी होगी दस परसेंट आपकी उत्तर होगी अगला सवाल देखिए सर एस एस सी का सवाल है नींद नहीं आ रही है पाँच दस मिनट और पढ़ा लू अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो पाँच दस मिनट और पढ़ा लू वैसे इतने सारे लोग इस वक्त तक जुड़े हैं इसका मतलब ग्यारह बजे भी तो नींद तो नहीं आ रहा होगा पांच वर्षों के अंत में बारह हजार रुपए की एक राशि पर साधारण ब्याज छह हजार रुपये है उसी राशि पर तीन वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती होती है लैंग्वेज का बैरियर तोड़ना सीखिए एग्जामिनर हमें किस आधार पे सवाल देगा ये सीखिए पहले तुम एग्जामिनर कभी भी प्लीज, प्लीज 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 इस बात को समझिए एग्जामिनर कभी भी सिंपल लैंग्वेज में सवाल नहीं देगा वो सवाल को हमेशा ही गोलमोल गोलमोल घुमाएगा तो समझिए एग्जामिनर का लैंग्वेज का बेरियर तुम कैसे तोड़ोगे बोलिए सर पांच वर्षों के अंत में बारह हजार रुपए की राशि पर साधारण ब्याज छह हजार रुपए है कोई मुझे बताएगा क्या इस लाइन से मैं दर निकाल सकता हूं क्या अरे साधारण ब्याज का टॉपिक तुम पढ़ चुके हो पूरा अगर साधारण ब्याज का टॉपिक तुम पूरा पढ़ चुके हो वर्षों तो मतलब लोग दर बताइए दर कितनी होगी आप सब जानते हैं ना सर दर होती है सो, लो जी, सो, तो आप कहेंगे मूलधन बारह हजार और गुणा पांच समय तीन छत दुणी बारह पांच दुणी दस दर जो होगी वो दस परसेंट होगी क्या इस पहली लाइन से दस परसेंट निकाल सकते हो सर आज मैं पहली बार आया हूं सुरेश धवलोक आप बहुत डिफिकल्ट सवाल करा रहे हो डिफिकल्ट सवाल पहली बात सुरेश बोलो अगर आप पहली बार आए हैं तो हमें आपका स्वागत करना चाहिए दूसरी बार डिफिकल्ट सवाल मैं नहीं करवा रहा हूँ एग्जाम में ही ऐसे आ रहे हैं हर एग्जाम के आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ये बताया गया है कि वो सवाल कहाँ पूछा गया है डिफिकल्ट सवालों का जमाना आ चुका है हमें जरूरी है कि डिफिकल्ट सवाल ही हम देखें पांच वर्षों के अंत में बारह की राशि पर साधारण ब्याज छह हजार रुपए है तो छह हजार गुना सो दर निकाल लेंगे साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ाया हुआ है सब लोगों को दर निकाल लिया कहता है ये अब अगला चाहता ना एग्जामिनर तो वो ये कह सकता था दस परसेंट की दर से तीन साल के लिए बारह हजार रुपए का ब्याज क्या होगा ये कह सकता था ना वो लेकिन नहीं कहा बोलो दस का फ्रैक्शन कितना होता है आप बोलेंगे सर एक बटा दस एक बटा दस का मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट आप बोलेंगे सर दस रुपए का ग्यारह रुपये बन रहा है ऐसा कितने साल में भाई तीन साल में आप बोलेंगे सर इधर जो बन रहा है वो हजार रुपए बन रहा है और इधर इसका क्यूब तेरह सो इकतीस होता है कोई मुझे बताएगा सीआई कितना बना तो आप बोलेंगे सीआई तीन सौ इकतीस बना है कितना बनाए तीन सौ इकतीस तीन सौ इकतीस गुणा बारह उनचालीस सौ बहत्तर और भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया था बहुत सुरेश देव लोग नए नए जो लोग आते हैं वो लाल वाला बटन दबा के जाया करो ऐसे मत जाया करो ठीक है हाँ जी ऐसे विजिट करने आ जाते हो तो भी विजिट करने का चार्ज लगता है जी हाँ जी और वो कुछ नहीं है सब्सक्राइब सिर्फ करते जाना है सर बारह हजार रुपये किसकी वैल्यू दे रखी है हज़ार की तो इसका मतलब आप कहेंगे बारह हजार रुपये जो वैल्यू है वो हज़ार की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को वैल्यू निकालिए तीन सौ इकतीस की तीन जीरो से तीन जीरो इकाई दो वाला ऑप्शन देख लो उत्तर ही आ गया जी गुणा मत करो ना गुणा करना अलाउ नहीं है आप यही देखेंगे दो एकम दो इकाई आएगा दो और इकाई दो वाला एक ही ऑप्शन है बी भाग जाओ बस गुना मत करो भाई कोई भी गुणा करना पाप है 2020 का सवाल है एस एस सी सी एच एस एल दो का ठीक है हम सर तीस प्रश्नों पर काम कर चुके हैं पिछले दो घंटे में विद कंसेप्ट कितनी अच्छी बात है ना भाई हु? कितनी अच्छी चीजें बताई है ना बिना बात किए नॉन स्टॉप पढ़ते जा रहे हैं जो लोग कहते हैं ना ऑनलाइन पढ़ने में क्या मतलब है ऑफलाइन भाई ऑफलाइन में तो तुम इतने कैलकुलेटिव सवाल कोई मास्टर बता देगा ना तुम्हारा तो मैं मान जाऊंगा है ना हाँ या तो वो कहेगा बारह महीने में कोर्स पूरा होगा या फिर इतने कैलकुलेटिव सवाल कराने की ऑफलाइन में हिम्मत ही नहीं रखेगा इसलिए उन्हें कह दीजिए कि ऑनलाइन में हमारे भैया जी बहुत कुछ बता रहे हैं यदि दो वर्ष के लिए पांच परसेंट प्रतिवर्ष की दर से एक राशि का चक्रवर्ती ब्याज तीन सौ अट्ठाईस रुपए है कोई मुझे बताएगा सर पांच परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है आप बोलेंगे एक बटा बीस। बीस पंजे सो। इसका मतलब एक तरफ विक्रम भाई ए प्रिंसिपल और अमाउंट आप कहेंगे बीस का कितना बन रहा है इक्कीस दो वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर कर दो आप बोलेंगे चार सौ रुपए की चीज कितनी बन गई सूर्या भाई चार सौ इकतालीस कितना सीआई मिलेगा भाई कहेगा गुरुवर इकतालीस रुपए और इस इकतालीस रुपए की वैल्यू है तीन सौ अट्ठाईस रुपए सोच के देखो अगर मैं आठ से मल्टीपल करूंगा आठ सौ का बत्तीस आठ का आठ तो राशि बताइए राशि से मल्टीपल करूंगा आठ से मल्टीपल करूंगा आठ सौ का बत्तीस बत्तीस सौ रुपए आपका राइट आंसर होगा उम्मीद करता हूं उत्तर डी आप लोगों ने दिया होगा सर क्लास कितनी बजे तक चलेगी क्लास बस खत्म ही होने वाली है दो तीन पर्सन और करवाऊंगा क्लास का टाइम हो चुका है क्लास ओवर चल रही है पांच मिनट लेट चल रहे हैं हम क्लास का टाइम हो चुका है भाई ठीक है हुँ. अंकित कुमार एम्स में करवाओ वी एच ऑफलाइन में हाँ जी एम्स में तो करवाते हैं ठीक है क्योंकि वहां कौन पढ़ाता है आपको भी पता है

ठीक है आज तो देखो होगा नहीं ये सवाल पूरा अभी हमारे पास पीछे स्लाइड कितनी बची है छत्तीस छत्तीस का मतलब हमारे पास स्लाइडें बच गई हैं अभी टोटल है बावन और छत्तीस बावन का मतलब हो गया बारह और चार सोलह सोलह स्लाइडों का मतलब लगभग एक मान के चलिए डेढ़ घंटे का मीटर हमारे पास है एक घंटे का मीटर कम से कम है एक सवा घंटे में बहुत मुश्किल हो जाएगा सर सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और भी सही भी है मैं कोशिश करता हूं अच्छी बात बताऊं आलोक भाई गलत उत्तर है आपका दोस्त गलत उत्तर है अंकित कुमार उत्तर दे दिए हैं बी इधर मास्टरानी बिटिया जी उत्तर दे चुके हैं बी और कोई और लव एल सी कुमार उत्तर दे चुके हैं डी अंकित कुमार दोबारा से उत्तर दे चुके हैं तीन और कोई नहीं है आ जाइए मैं बताता हूँ सर समझाता हूँ सुनिए हर किसी के बस की बात नहीं है ये सवाल गलत करके आओगे समझिए ऐसे एग्जाम्स पास नहीं होते हैं दस परसेंट फ्रैक्शन जो है वो दो से ही एक बटा तीन वर्ष का है पहले ये देखो सर आप सारे लोग इधर देखो दो से ही एक बटा तीन वर्ष का मतलब एक वर्ष पूरा एक वर्ष पूरा और एक बटा तीन वर्ष पूरा आप कहेंगे हाँ सर दस परसेंट प्रतिवर्ष की दर से तो आप कहेंगे ये दस परसेंट है पहले साल का भाई दूसरे साल का भी पूरा का पूरा दस परसेंट होगा तो दूसरे साल का भी दस परसेंट ही रहेगा और भाई तीसरे साल का दस परसेंट होगा तो दस गुणा एक बटा तीन और दस गुणा एक बटा तीन बोले तो दस बटा तीन परसेंट ये तीसरे हिस्से का होगा सर इनके सबके फ्रैक्शन आपको आने चाहिए मेरे दोस्त दस परसेंट का फ्रैक्शन सबको पता होता है एक बटा दस होता है इसका फ्रैक्शन अगर निकालोगे तो भी एक बटा कितना होगा दस ही होगा अरे होता है कि नहीं होता है कोई सोच रहा है कि 10 परसेंट का फ्रैक्शन कैसे होगा तो सर 10 में 100 का भाग दे दो इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं 100 से काटूंगा एक बटा दस ही आएगा समझ रही हो ठीक है अगर मैं कहूंगा इसका फ्रैक्शन बताइए तो आप कहेंगे 10 बटा तीन में किसका भाग दे दीजिए सो का अगर सो का भाग देंगे तो आप कहेंगे एक बटा कितना हो जाएगा इकतीस मैं जानता हूं आप में से बहुत कम उत्तर दे पाएंगे अड़तालीस सौ एक गुणा अजय कुंतल तुझे बाप की सोगन ने सच बता कैलकुलेटर लेके बेटा है ना है सच सच बता बाप की सो कैलकुलेटर लेके बैठा कैलकुलेटर ना भाई हुँ? देखो सर जी क्वेश्चन नंबर लिखा दिया करिए अच्छा कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखने की एक वजह बताता हूँ तुम गलत मत सोचा करो क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं लिखे जाते हैं कि टाइपिस्ट पूरी स्लाइडो को बस एक साथ छाप देता है फिर मैं घंटे भर बैठ के उनको मैनेज करता हूँ कि टाइप वाइज उनको सेट करता हूँ ताकि उनके आगे पीछे सवाल ना हो समझ में आए अब अगर मान लीजिए मैं उनको आगे पीछे करता हूँ तो उनका क्रम चेंज होता है सबके नंबर वापस लगाने पड़ते हैं इसलिए हम नंबर नहीं लगाते हैं बहरहाल देखिए सर इधर प्रिंसिपल और अमाउंट अंकित देखो सर पहली जगह हो जाएगा दस रुपए का ग्यारह रुपये भाई दूसरी जगह भी हो जाएगा दस रुपए का ग्यारह रुपए और तीसरी जगह हो जाएगा भाई तीस रुपए का इकतीस रुपए मैं देखता हूं कितने लोग बना लेते हैं आप कहेंगे सर इधर हो गया तीन हजार रुपए कितना हो रहा है दोस्त तीन हजार इधर हो जाएगा सर एक सौ इक्कीस और एक सौ इक्कीस को इकतीस से गुणा करेंगे इकतीस से इकतीस बच गया तीन इकतीस गुना बासठ और तीन पैंसठ बच गया छः इकतीस से इकतीस और पाँच सैतीस इधर बना है सैतीस इक्यावन रुपए मुझे कोई बताएगा सैतीस सौ इक्यावन रुपए बना तो ब्याज कितना बना आप कहेंगे सात सौ इक्यावन रुपए तुम्हारा दिमाग तो अभी खराब होगा बहुत दिन हो गए तुमको ठीक है देखिए सर अरे भाई मैं तो उस अजय संकुंतला को बोला था आपको नहीं बोला था आप बताइए सर चक्रवर्ती ब्याज जो है वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज जो है वो एक बारह जीरो एक छ जीरो है और ये चक्रवर्ती ब्याज सात सौ इक्यावन है इसका मतलब बारह जीरो एक पॉइंट छ जीरो बट्टा सात सौ इक्यावन ये एक की वैल्यू हो गई क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वल है गुणा मुझे राशि चाहिए और राशि तीन हजार है इसका मतलब तीन हजार से हम मल्टीपल करेंगे आइए हम आपको कुछ ज्ञान देते दो जीरो से दो पॉइंट कट गए जी दो जीरो से दो पॉइंट कट गए अब एक बात सुनो सात पांच बारह एक तेरह तीन का भाग नहीं जा रहा है छ दो एक तीन छो एक दस इसमें भी तीन का भाग नहीं जा रहा है मतलब मेरा वो ऑप्शन होगा जिसमें तीन का भाग जाता हो केवल तीन का जाता हो नौ का नहीं जाता हो क्योंकि इस पूरे प्रोडक्ट में तीन केवल यही है इनमें दोनों में ही तीन का भाग नहीं जा रहा है अगर इन दोनों में तीन का भाग नहीं जा रहा है तो ये चाहे जैसे भी कटे लेकिन मेरा उत्तर वो होगा जो सर तीन का मल्टीपल होगा सिर्फ तीन का मल्टीपल होगा अब तीन का मल्टीपल ये तो नौ छह चौवन नौ का मल्टीपल है सर इसमें तो नौ का भाग जाता है जबकि मेरे उत्तर में तीन के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए सर है इकतीस से बत्तीस होगा अच्छा फिर गलत कैसे हुआ अरे तीस ही होगा सर यहाँ

लास्ट सवाल है फिर आप जाइए ठीक है सोइए आज की क्लास में खत्म करते हैं यहीं आप ठीक है एक बार वापस कर रहा हूं सर मैंने ये देखा कि दो जीरो से दो पॉइंट कट गए इस वाली संख्या में तीन का भाग नहीं जाता है इस वाली संख्या में तीन का भाग नहीं जाता है मतलब मेरा उत्तर सिर्फ और सिर्फ तीन का मल्टीपल होगा सिर्फ किसका मल्टीपल होगा तीन गुना होगा 9 का गुणज नहीं होगा ये नौ पंजे पैंतालीस में तीन दो बार है जबकि मेरे उत्तर में तीन एक ही बार आएगा या नौ छह चौवन इसमें भी तीन दो बार है ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे ठीक बात है अब चलो तीन दोनों में है एक जीरो ये एक जीरो ये दो जीरो तो कंफर्म आने हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तीन दोनों में है लेकिन देखो लास्ट में सम संख्या है और ये अगर तीन में इसका निकाल दूंगा ना ये तीन अगर मैं निकाल दूंगा तो भी पीछे मेरे पास यहां तो बन, कितना बन जाएगा चार का भाग जाने वाली संख्या भाई ये दो जीरो के तो दो जीरो लगा लिए सोलह में चार का भाग जा रहा है तो पीछे बची हुई संख्या में चार का भाग जाना चाहिए और उत्तर क्या आ जाएगा मेरा दो नंबर आ जाएगा इस प्रकार से आप लोगों को उत्तर बनाने हैं सर ठीक है क्लियर है उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आप समझिए ठीक है कल के लिए एक सवाल दे रहा हूँ आप उसको बना के लाना। कल की क्लास में हम मिलेंगे वही रात को नौ बजे ठीक है कि मैं सवाल दे रहा हूं उसको तुम बना के लाना सर इस सवाल को तुम बना के लाना कल ठीक है हाँ जी कल की क्लास में हम मिलने वाले हैं आज हम बहुत लंबी क्लास ले चुके हैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा बहुत अच्छी लगी होगी आपकी क्लास ठीक है आपने बहुत कुछ सीखा होगा डेली लाइव चलती है क्या टाइम है अजय सकुंतल अजय कुंतल भाई रात को नौ बजे से ग्यारह बजे तक हमारी क्लास लाइव चलती है ठीक है और कोई किसी का कोई डाउट हो किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताइए सर हाँ जी कल मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ कल के होमवर्क के लिए मैंने सवाल दे दिया है आप बताइएगा ठीक है क्या इसका उत्तर होना चाहिए सबको गुड नाइट आज की क्लास दिमाग को थका देने वाली थी आज की क्लास में बहुत कुछ अच्छा था बहुत कुछ अच्छे ऐसे पैटर्न के सवाल थे सच में दिमाग को थका देने वाली क्लास थी उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा दीपक कुमार सर मेरा डाउट आप क्लियर कर दीजिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आपसे ही बात होगी यस जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं उनसे डायरेक्ट मेरी बात होगी किसी दूसरे से बात नहीं होगी आप कॉल कर लीजिएगा ठीक है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा रेट तीन से तेरा होगा ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है शुभरात्रि भाई ओके 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 दीपक कुमार सुबह बात कर लेना आप आठ बजे तक ठीक है सुबह कॉल कीजिएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हो जाएगा मजा आया आज ठीक है चलिए जो भी लोग हैं आप लोगों की गलती है आप लोग क्लास को शेयर किया कीजिए सारे भी जितने लोग इस वक्त हैं ठीक है गुड नाइट बोलने से पहले सबको एक बात बोल रहा हूँ ग्रुप्स वगैरह में क्लास को शेयर किया करो आप लोगों का सपोर्ट जो है अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने में मुझे सहायकता बनाएगा सहायक बनाएगा आप लोगों का साथी बनाएगा ठीक है तो माइंड से सारे पुरजे हिल गए माइंड के सारे पुरजे हिल गए ये सवाल आ ही ऐसे रहे विक्रम भाई तू तो सकल से समझदार आदमी दिखता है चश्मा उश्मा लगा के तो तुझे तो पता है अच्छे से कि आजकल टी सी एस पूछी ऐसे सवाल रही है तो क्या गलती है बताइए ठीक है मेरी तो क्या ही गलती है भाई मेरे जैसे मासूम आदमी की क्या गलती हो सकती है चलिए गुड नाइट मिलते हैं कल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद